Hello students and hello everybody. This is lecture number 3 of mechanical properties of solid. इसमें हम लोग आज questions कर रहे हैं. We are doing numerical questions and जो हमने 1 और 2 में पढ़े हैं उसके applications थोड़े like NCERT के जो additional questions हैं उन questions के background को देखते हुए कुछ questions मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ ताकि आप बड़ी आसानी से उन questions को कर सकें. So these are good questions and this is all application. जो आपने पढ़ा है उसको हम लोग आगे और बेहतर तरीके से अप्लाई करना सीख रहे हैं. तो लेट लेट मी टेक यू इन द लेक्चर एंड लेट्स शेयर व्हाट इज देयर. सो एज आई सेड दैट फोकस ऑफ दिस लेक्चर इज कॉन्सेप्ट एनहांसिंग न्यूमेरिकल्स. वी आर टेकिंग सच न्यूमेरिकल्स जिससे कि आपने जो सीखा है वो और मजबूत हो सके और क्रिस्टल क्लियर हो सके. सो आई विल टेक यू टू द फर्स्ट पेज वेयर द क्वेश्चन इज. एंड सो द क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म हैवी रॉड. A uniform heavy rod of weight W, length L, and cross section area A, is suspended from a rigid support. If there is no lateral strain, मतलब उसमें जो extension होता है तो हम मानेंगे कि वहाँ पे जो lateral strain है वो कुछ खास नहीं है, मतलब हमने neglect कर दिया. If there is no lateral strain and Young modulus is Y, then find elongation, यानी कि उसमें delta L निकालना है. I hope you got it now. तो स्टूडेंट का पहला रिएक्शन जो होता है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट इज जनरली वो ये जानता है कि भाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और वो आगे एक फार्मूला और पढ़ रखा है कि भाई स्ट्रेस को हम लोग एफ अपॉन ए और इसको डेल्टा एल बाय एल कर देंगे. सो फ्रॉम हियर वो डेल्टा एल निकालना चाहता है. तो ये से दैट कि ओके डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू यंग मॉडुलस ऐसे लिख दिया. और फिर डेल्टा एल के लिए वो क्या करता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू यंग मॉडुलस ऐसे आंसर लिखती है. दिस इज रॉन्ग ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज दिस फोर्स इज जो आप देख रहे हैं दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट. यानी कि ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब हर क्रॉस सेक्शन पे इक्वल स्ट्रेन पड़ता हो इक्वल स्ट्रेस हो और हर यानी कि ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर पाएंगे. दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दैट केस जब एवरी क्रॉस सेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स है वो सेम हो. दैट फोर्स इज सेम हर जगह पे ये फोर्स सेम लग रहा हो और हर जगह क्रॉस सेक्शन ये हो तो आप इस तरीके से ये डेल्टा एल निकाल सकते हैं. बट हियर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस. एट एवरी क्रॉस सेक्शन जो फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट होगा. इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक आपके लिए फिगर दिखा रहा हूँ एंड देन सी व्हाट इज इट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया एक एक आपके लिए कुछ इस तरीके का एक रॉड दिखाया. बोला हेलो ये रॉड है हमारे पास. हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट किया था एक्सटेंशन करके टॉपिक एक्सटेंशन ऑफ अ रॉड हमने किया हुआ है पिछले लेक्चर में. सो नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. सपोज को लो एक रिजिड सपोर्ट से आपने हैवी रॉड ऐसे लगा दिया. तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये डब्ल्यू वेट यहाँ पे ये टोटल वेट है इस पूरे का. तो वेट इज ये पूरे बॉडी का वेट है यानी कि पूरे मटेरियल का वेट ऐसे है. तो अब आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्सटेंशन है वो बताओ कि क्या होगा अपने वेट के वजह से. तो हम क्या करेंगे यहाँ से नीचे से एक एक्स डिस्टेंस लिया और यहाँ जाके हमने एक डीएक्स क्रॉस सेक्शन ऐसे मान लिया आई मीन डीएक्स लेंथ का ये डीएक्स लेंथ ले लिया ऐसे. तो वी आर कंसीडरिंग दिस इज डीएक्स लेंथ और ये यहाँ से एक्स पे यहाँ से फ्री एंड से एक्स ऊपर गया और यहाँ डीएक्स ले लिया. सो हाउ वी आर सॉल्विंग इट लुक एट दिस हियर. सो इन दिस क्वेश्चन लाइक के सो वी नो दैट डब्ल्यू इज वेट ऑफ होल बॉडी और हम ये मान रहे हैं कि जो ये पूरा वेट है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सो वेट पर यूनिट लेंथ की बात करें तो डब्ल्यू बाई वेल इज वेट पर यूनिट लेंथ हो गया पर यूनिट लेंथ हो गया वेट पर यूनिट लेंथ होगा. तो इस एक्स लेंथ का वेट कितना होगा यानी कि जो यहाँ से नीचे है इसका वेट कितना होगा. तो दैट वेट इज डब्ल्यू अपॉन एल आर इन टू दिस इज एक्स हो जाएगा यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ठीक है. सो डब्ल्यू अपॉन एल अपॉन एक्स हो जाएगा. तो इतने पोर्शन का जो वेट हो गया इसको आपने डब्ल्यू डैश बना दिया. दिस इज योर डब्ल्यू डैश
सपोज कर लो ये इस, या डब्ल्यू डैश ना लिख करके उसको कुछ नोटेशन ऐसे दे दो, यू राइट डब्ल्यू एक्स हियर, यानी कि इस एक्स पार्ट का वेट इतना हो गया। अब ये जो नीचे वेट लगा हुआ है, ये वेट इस छोटे से जो डीएक्स एलिमेंट है, इस डीएक्स एलिमेंट के ऊपर जो इसके नीचे का वेट है, दैट वेट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस, और दैट फोर्स अपॉन एरिया जो होगा वो यहाँ का क्या बनेगा, स्ट्रेस बनेगा। सो स्ट्रेस क्या होगा यहाँ पे, सो दैट स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह पे हम ये पूरा रिजल्ट लिखेंगे, दैट इज डब्ल्यू अपॉन एल और दिस इनटू एक्स और अपॉन एरिया, दिस इज आवर ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये स्ट्रेस हो गया हमारा। एंड लेट सपोज, लेट राइट एक्सटेंशन इज डेल्टा एल, हमने लिख लिया, कितना लिख लिया डेल्टा एल। तो अगर एक्सटेंशन डेल्टा एल हो गया, यहाँ पे एक्सटेंशन डेल्टा एल हो गया, लेट एक्सटेंशन इज डेल्टा एल इन डीएक्स लेंथ, यानी कि इस डीएक्स लेंथ के अंदर, ये डीएक्स का था, इसको डीए लिख देते हैं, चलो ये डीएक्स लेंथ के था, और इस डीएक्स लेंथ का में जो चेंज आया वो कितना आया, डीएल आ गया। तो स्ट्रेन कितना हो गया, दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू, नाउ विल बी राइटिंग डीएक्स सॉरी डीएल अपॉन डीएक्स। तो ये ना डी, ठीक है, दिस इज डीएल, डीएल अपॉन डीएक्स। तो जो ये डीएल अपॉन डीएक्स हमारे पास है, दिस इज डीएल अपॉन डीएक्स, एक मिनट इसको अच्छे से मिटा के इसको लिखें, दिस इज, तो ऐसे इट इज डीएल अपॉन डीएक्स। तो अब अगर ये डीएल अपॉन डीएक्स, ये स्ट्रेन हो गया, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो नाउ दिस यू कैन रिमेम्बर हियर, स्ट्रेन इज इक्वल टू राइट, दिस इज स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, और दिस स्ट्रेन इज डीएल अपॉन डीएक्स, एंड दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। सो नाउ दिस इंप्लाइज डीएल इज इक्वल टू नाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या हमारे पास डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल इंटू ए, दिस इज आवर स्ट्रेस, और नीचे क्या आ गया यंग मॉडुलस, दिस इज डीएल। अब आपको एक तरीके से ये जो रिजल्ट आया है वो इसमें चेंज आया, तो इस डीएक्स में अगर इतना चेंज आया, इस राइट एंड कुछ छूटा है हमारा, यस डीएल अपॉन, तो ये देखो ये dx हमारा क्या हो, ये dl upon dx is stress upon this, तो stress की values लिख ली wx upon al, नीचे वो रख दिया, और dl पूछ रहे तो ये dx यहाँ चला गया। So what do you find that कि dx के अंदर elongation कितना हो गया, dl हो गया, extension is dl in dx length, तो ये हुआ। तो अगर आपको total निकालना होगा तो आप क्या करोगे, so that total like dl को आप integrate कर दो, आप बोलो कि ये delta l आ गया हमारे पास, dl को integrate किया, यानी कि डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपॉन यंग मॉडुलस ए इंटू एल, कहाँ से कहा तक, जीरो टू एल लेंथ तक आप, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, यंग डब्ल्यू अपॉन यंग मॉडुलस इंटू ए इंटू एल, और ये रिजल्ट क्या है, एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू। सो द फाइनल रिजल्ट इज वन बाई टू, ये एल से एक एल कट गया, डब्ल्यू एल अपॉन यंग मॉडुलस इंटू ए। तो ये आपके पास इसके अंदर का पूरा आपके पास डब्ल्यू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग मॉडुलस इनटू ए, ये रिजल्ट यहाँ पे दिखा दिया गया, ये प्रोसेस समझा दिया गया। कुछ लोग इसको सॉल्व करते समय जैसे यहाँ एक्स लिया, तो कुछ लोग यहाँ से कर सकते हैं, इसको एल माइनस एक्स मान के लिख सकते हैं, भाई एल माइनस एक्स का हमने वेट निकाला तो रिमेनिंग वेट निकाला है, जो भी तरीका हो। तो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। सो ये लेक्चर टू में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में दिखाया। मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई बॉडी अपने वेट की वजह से जब एक स्ट्रेच कर रही है तो आप देखो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। आपने जो स्टेप वहाँ पे पहले किया था वो स्टेप आपको नहीं करना है, हर बात को सोच समझ के चलना है। वो तब हम अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे इस पे हर क्रॉस सेक्शन पे वो फोर्स क्या लग रहा होता, सेम लग रहा होता। अगर हम इसको वर्टिकल ना रख करके हॉरिजॉन्टल बना देते और फिर वो फोर्स लगा देते, तो मानते कि वो हर जगह एक तरीके से सेम स्ट्रेस लगने की कोशिश हो रही है, मतलब एक जगह पे फिक्स करके वैसे करेंगे,
तब जाकर के उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहीं लगा सकते हैं, नॉट एवरीवेयर। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एज शोन इन फिगर 1 kilogram एंड 2 kilogram आर कनेक्टेड थ्रू अ मेटल वायर विच इज पासिंग ओवर अ पुली। इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मेटल वायर इज 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ केबल विच इज नॉट टू ब्रेक इन दिस केस। सो ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर आपने एक मेटल वायर लिया, इसी को केबल बनाया, इसके साथ 1 kilogram 2 kilogram लगा दिया, ये वायर इस पुली के ऊपर जा रहा है, पुली स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ कोई एनर्जी लॉस का कोई चक्कर नहीं है, पुली यहाँ से कनेक्टेड है, ये 2 kilogram है, ये 1 kilogram है, और आपको इस वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है 2×10⁻¹ मीटर न्यूटन पर मीटर, यानी कि वो इससे ज्यादा इसके वायर में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये जो वायर है इस वायर के अंदर इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी मिनिमम रेडियस ऑफ केबल, यानी कि इस केबल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए ताकि ये टूटे नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रेक। आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ करके और अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं आपको समझा चुका हूं कि ये 2 kilogram की बॉडी है, 1 kilogram की बॉडी है, तो जरा पहले देखते हैं कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ी देर में आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। सो यू नो यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक mg लगेगा, दैट इज 2g हियर, ये mg क्या होगा, 2g होगा। सो नाउ और यहाँ पे क्या होगा, 1g, यानी कि 1g का फोर्स यहाँ पे लगेगा और 2g का फोर्स यहाँ लगेगा। तो एक काम करते हैं, जी को 10 मान लेते हैं और 10 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो जी को 10 मान करके अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे बना, तो दिस इज बीइंग नाउ रिप्लेस्ड और हम इसको लिख रहे हैं 10 and 20। सो वी आर राइटिंग हियर 10 newton, 10 और यहाँ लिख दिया 20 newton, यहाँ टेंशन टी हो गया, यहाँ टेंशन टी हो गया, राइट, ये टेंशन टी हो गया, ये टेंशन टी हो गया। हम ये मान रहे हैं हर जगह टेंशन सेम होगा, ये मेटल वायर है और इस मेटल वायर में ये 2 kilogram ऐसे 2 kilogram का वेट इधर लगा दिया, 1 kilogram का इधर लगा दिया, इस मेटल वायर में हर जगह टेंशन टी मान लिया हमने, ठीक है। अब आप जरा देखो इस क्वेश्चन में, ये जो वायर है इस वायर में किसी एक्सटेंशन के होने की बात नहीं की गई, जबकि ये टी टेंशन लग रहा है तो इसमें कुछ एक्सटेंशन हो सकता है, भाई स्ट्रेस से हुआ, इसके पास एक टेंशन टी है तो टेंशन अपॉन पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होगा, दैट स्ट्रेस की वजह से उसमें कुछ स्ट्रेन आना चाहिए, कुछ एलोंगेशन होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में एलोंगेशन की बात नहीं की जा रही। तो आप एलोंगेशन के नजरिए से सोचना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, आई होप यू गॉट इट नाउ। सो कहा जा रहा है, एज शोन इन फिगर दिस टू मासेस आर कनेक्टेड, इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मेटल वायर इज दिस मच, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द केबल व्हिच इज नॉट टू ब्रेक इन दिस केस, यानी कि केबल इसमें टूटना नहीं चाहिए, तो बताओ इस केस में केबल का मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए, और ये मान लेंगे कि इसमें एलोंगेशन नहीं हो रहा है और टेंशन जो है वो अपनी जगह पे टेंशन है यहाँ पे। सो नाउ हियर इन दिस केस गौर से देखिए, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि 2 kilogram पे एक फोर्स लगा 20 newton, राइट, और यहाँ अपोजिशन में टी लग गया, तो यहाँ पे न्यूटन दिखाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 20 minus t इज इक्वल टू 2a कर दिया, और यहाँ पे t माइनस 10 इज इक्वल टू 1a कर दिया। सो नाउ इफ यू सॉल्व इट, दिस कम्स आउट 10 इज इक्वल टू 3a एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, यस, 10 इज इक्वल टू 3a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 10/3 m/s², ये आपका एक्सेलरेशन होगा। तो जो ये एक्सेलरेशन है 10/3 m/s², यानी कि इस एक्सेलरेशन से ये 2 kilogram नीचे जा रहा है, ये 1 kilogram ऊपर जा रहा है। अब ये भाई, तो इस पूरे वायर में टेंशन ये होएगा, a निकाला तो टेंशन कितना हो गया, तो टेंशन इज इक्वल टू नाउ 10+1a, दैट इज a इज 10/3, सो दिस कम्स आउट 10+1a, सो दिस इज a 10/3, सो दिस इज 40/3 newton का हमारे पास टेंशन हो गया पूरे वायर में, और इस पूरे वायर में टेंशन इतना है तो स्ट्रेस कितना होगा, तो टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमें पता है कि इसमें टेंशन इतना डेवलप होना है,
तो ये जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए? हमें पता है कि एरिया जितना छोटा होगा ये स्ट्रेस उतना बड़ा होगा, तो हम इस वायर का रेडियस मिनिमम कितना रख सकते हैं, कितना पतला रख सकते हैं? जितना छोटा रखेंगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, तो हम एरिया छोटा रखते गए, छोटा रखते गए, छोटा रखते गए, यानी कि एक हद पे रख ले जाके रख दिया, और उस टाइम पे स्ट्रेस हमारा जो हो गया वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो गया। अगर उससे कम रेडियस रखेंगे तो ये स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा, फिर वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। सो टी अपॉन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस की बात हो रही है। अब हमने यहाँ पे टी इज इक्वल टू ए मिनिमम कर दिया, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस लिख दिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस लिख दिया। अब टी अपॉन ए मिनिमम का मतलब पाई आर मिनिमम का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज 2 × 10⁻¹। सो नाउ दिस इंप्लाइज दिस टी इज इक्वल टू 40/3/3 इंटू दिस पाई, और ये हमारे पास आर मिनिमम का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹। ओके, सो नाउ फ्रॉम हियर आर मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच, सो दिस इज 40, दिस इज 3 इंटू दिस पाई, एंड 2 × 10⁻¹, 2 × 10⁻¹। सो 40/3π, 20 का पावर, सॉरी देखो जी बच्चा लोग थोड़ा यहाँ गलत हो गया लिखने में, तो दिस इज 2 × 10⁻¹ 2 × 10⁻¹9। सो 40/3π 2 × 10⁻¹9, ये आर मिनिमम का स्क्वायर था, तो आर मिनिमम हमारे पास ये रूट आया। इस डाटा को आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से वो मिनिमम रेडियस आपके लिए क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। और 40 × 10⁻¹9 नीचे, ये 10⁻¹9 ऊपर ले गया, सो दिस इज -9, एंड दिस इज 3 × 2, दैट इज 6π, दैट्स हाउ इट इज नाउ। सो दिस इज 10⁻¹9 एंड 4, दिस इज हमें 10⁻¹9, और ये 10 बच के -8 हुआ, बाहर आएगा 10, यानी कि दिस इज 10⁻¹8, बाहर 10⁻¹4 आ गया, और दिस इज अंदर में हमारे पास 40/6π हो जाएगा। सो दिस इज नाउ 10⁻¹4, और दिस इज 40 एंड 6π इज 6 × 3.14, राइट, 6 × 3.14, सो दिस इज 10⁻¹4, 40, एंड सो दिस इज 18 × 84। सो ऑलमोस्ट ये 2 से थोड़ा ज्यादा है, राइट, यस इट इज मोर देन 2। सो द फाइनल आंसर इफ यू सॉल्व, यहाँ पे गड़बड़ी है, राइट, दिस इज विल सॉल्व इट लाइक दिस। सो व्हाट आई से दैट दिस इज, ये हमारे लिए 6 है, 6π था यहाँ पे, आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर नाउ। 6 × 3.14 था, सॉल्व करेंगे तो ये 2 point something कुछ आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे ये 1.45 × 10⁻¹⁴ मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, यस। सो या ओके, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि हम इसके एलोंगेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आवर फोकस इन दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, वी आर सॉल्विंग दैट। हमें मालूम है कि अगर हम थोड़ा भी सोचे कि ये 2 kg 1 kg की ब्लॉक है, इसमें ट्रेवल कर रहा है, तो भाई ये पूरे में हर जगह यहाँ पे इस तरीके से टेंशन टी होगा, टी अपॉन ए से स्ट्रेस होगा, तो इसके अंदर एलोंगेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो इफ दैट विल बी द केस, विल बी कंसिडरिंग दैट क्वेश्चन सेपरेटली, बट हियर द लिमिटेशन वॉज डिफरेंट। नाउ अ बैलून असेंड्स वर्टिकली, एक बैलून है जो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, एंड स्लोली अनरीलिंग अ लॉन्ग कॉपर वायर, फाइंड द स्ट्रेच लेंथ वेयर 1 kilometer ऑफ इनिशियली अनस्ट्रेच वायर हैज बीन अनरील्ड। क्या मतलब है, सपोज करो इस तरीके से कोई बैलून में एक ऐसे लिफ्ट लगा के कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं भी हो सकता है, बट मैंने इसके साथ थोड़ा अटैच कर दिया ताकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक बैलून ऊपर जा रहा है वर्टिकली, एंड स्लोली जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, और उसकी बहुत छोटी सी वेलोसिटी है, उस छोटी सी वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। और ये बंदा सपोज करो यहाँ पे बहुत सारा कॉपर वायर था, इस कॉपर वायर को वो धीरे धीरे
क्या कर रहा है, छोड़ता जा रहा है, यानी कि अनरील करता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे अनरील होता जा रहा है। रील बनाने का मतलब ऐसे बनाते जा रहा है, और अनरील करने का मतलब खोलते जाना। सो बैलून असेंड्स वर्टिकली एंड स्लोली अनरीलिंग अ लॉन्ग कॉपर वायर, फाइंड द स्ट्रेच्ड लेंथ, फाइंड द स्ट्रेच्ड लेंथ व्हेन 1 किलोमीटर इनिशियली अनस्ट्रेच्ड वायर हैज बीन अनरील्ड। यानी कि 1 किलोमीटर अगर, मतलब जो वायर 1 किलोमीटर का था, जो एक्चुअल लेंथ था, जो अनस्ट्रेच होने पे जो था, अगर उतना वायर खुल जाता है इस तरीके से, बैलून ऊपर जाता जाता है, तो उस केस में उसके अंदर स्ट्रेच्ड लेंथ कितना, फाइंड द स्ट्रेच्ड लेंथ। यानी कि अनस्ट्रेच्ड लेंथ तो 1 किलोमीटर था, तो स्ट्रेच्ड लेंथ, फाइंड द स्ट्रेच्ड लेंथ व्हेन 1 किलोमीटर ऑफ इनिशियली स्ट्रेच्ड अनस्ट्रेच्ड वायर हैज बीन अनरील्ड। सो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जगह पिछला पेज है और ये। सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, कैसे इसको सॉल्व करेंगे जी। सो मतलब ये है कि यहां से ये खुलता जा रहा है और ये वायर ऐसे नीचे जाता जा रहा है। सो ग्राउंड से अगर हम यहां से ले रहे हैं, तो फिर ये थोड़ी देर में हाइट और ऊपर चले जाएगी, थोड़ी और हाइट ऊपर चली जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, यहां ग्राउंड मान लेते हैं, ये हमने ग्राउंड मान लिया। ये बैलून जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये और हाइट चलता जाएगा। सपोज कर लो कि अभी सिर्फ एक साइड अनरील हुआ है। कितना हाइट अनरील हुआ? एक साइड अनरील हुआ। भाई किसी टाइम पे कुछ हुआ था, थोड़ा और हो गया, थोड़ा और हो गया, थोड़ा और हो गया। सपोज कर लो एक साइड अनरील हुआ। इस एक साइड अनरील वायर के का एक अपना वेट होता होगा, बिल्कुल जो पीछे पहला क्वेश्चन पढ़ा हमने। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इसमें रखा, क्योंकि मैं ये मान रहा था कि अगर आपसे, मैं सीधा सीधा कहता कि आपने लेक्चर 2 में पढ़ा हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज करवाया आपसे। सो सपोज कर लो कि ये इतना वायर नीचे आ गया, सो एक्स लेंथ इट हैज कम डाउन। इस एक्स लेंथ का एक अपना वेट होगा, और उस वेट के वजह से, उस एक्स लेंथ के वेट के वजह से, या तो ये एक्स था और एक्स नीचे आ चुका है ये, और अब सपोज कर लो कि एक्स नीचे आ चुका और इसमें हमने डी एक्स पार्ट, फिर जैसे हमने वहां लिया था, ये डी एक्स पार्ट लिया, तो इस डी एक्स पार्ट के ऊपर इस एक्स वाले के का जो वेट होगा, उस वेट की वजह से इसमें क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। सो राइट, यहाँ पे रो दे रखा है डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड यंग ओल्डर्स दे ही रखा है। सो सी what we'll see that की weight of x length, weight of x length की बात करें तो वो result क्या हो जाए, can we use that result directly? If you look at this delta L, हमने इस portion के वजह से निकाला, 0 to L के वजह से निकाला, यानी कि W x d x upon young modulus A L, तो आप ये solve करेंगे तो ये result लेके आएंगे ना भाई, yes? So ये क्या होगा, यानी कि जैसे जैसे 1 किलोमीटर तक आप जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन, दिस इज द एक्सटेंडेड लेंथ, नॉट एक्सटेंडेड, दिस इज द एक्सटेंशन, और आपके पास इनिशियल लेंथ है ही। तो आप ये जो डाटा आपने आपके पास है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज कर लें, बट यहाँ पे W को क्या रखेंगे, यहाँ पे तो इस पूरे का वेट आपने W ले लिया, यहाँ पे W क्या रखेंगे आप? सो देयर यू हैव टू, यू सी योर X इज चेंजिंग, नो? सो अभी यहाँ पे x रखा, अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए और फिर मैं आपको उस रिजल्ट के साथ रिलेट करके दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते थे। सो वेट ऑफ x लेंथ की बात करें तो ये क्या होगा, x लेंथ हो गया, राइट, x लेंथ हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कुछ a मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को a मान लिया, तो ये लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया, इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास हो गया, इसमें जी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारे लिए वेट। दिस वेट नाउ स्ट्रेस कितना पैदा हुआ यहाँ से, तो भाई x a rho g अपॉन एरिया करेंगे, तो x rho g क्या होगा आपका, स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन की बात करें तो आप, तो जब आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो x rho g राइट अपॉन यंग मॉडुलस लिख लेंगे आप, एंड दिस स्ट्रेन कैन बी रिटन एज, दिस स्ट्रेन कैन बी रिटन एज, लेट सपोज डेल्टा l, और हमने dx लेंथ पे किया है हमने, तो दिस इज x rho g अपॉन दिस यंग मॉडुलस। तो यहां से डेल्टा एल क्या निकल के आएगा, एक्स रो जी डी एक्स और अपॉन यंग मॉडुलस कर दिया आपने, तो ये आपका एक्सटेंशन इसमें निकल गया है एक्स पे।
अब आप 0 से 1 किलोमीटर तक जाएंगे आप, तो आप कोई 1 किलोमीटर के बजाय कोई हाइट एच मान लीजिए, तो टोटल टोटल एक अगर टोटल डेल्टा एल निकालना हो, राइट, इसको डीएल कर दीजिए आप यहाँ पे, ये यू राइट डीएल डीएल और डीएल बाई डीएक्स, और यहाँ पे भी डीएल लिखिए, और अब डेल्टा एल निकालिए, तो यानी कि डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to height h तक, मतलब यानी कि वही एल लेंथ तक, एल आपने इसको चलो एल ही मान लेते हैं, लेट्स टेक इट दिस एल। तो अब ये रिजल्ट क्या आएगा, रोजी अपॉन यंग मॉडुलस आपके पास बाहर हो गया, x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होगा, ये l की वैल्यू डाल दोगे, रो जी अपॉन यंग मॉडुलस आपने अलग लिख लिया, x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट डाल दोगे, तो आपके पास ये क्या आएगा, l स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ये जो रो जी l स्क्वायर, आर वी डूइंग सम मिस्टेक आई होप, या एक मिनट, दिस dl x रो जी अपॉन बाई x रो जी dx अपॉन दिस, so x dx that is x square by 2 limit rakh diya, so this is now rho g l square upon 2 ye form mein aa gaya, to ye delta l hua। ab is result mein aur us result mein kya fark hai, zara dekho, yahan pe w ke form mein likha hua, w l upon 2 young modulus into a likha hua, hame a de nahi rakha hai, so hum is result ko use karte jaate hain yahan pe, to is w ko kholna padta hai hame, देखो ये डब्ल्यू एल ये है क्या, वेट क्या होगा पूरा, लाइक पूरा लेंथ एल ले लिया, और मतलब जो 0 से लेके एल तक, फिर उसमें रो मल्टी एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और उसमें रो मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास हो गया, और फिर उसमें जी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये एल अपॉन 2 यंग मॉडुलस ए करेंगे। सो अब देखो यहाँ ए कट गया, ये क्या आ गया, रो जी एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग मॉडुलस, यानी हम इस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को भी यूज कर सकते थे हम इस W और उसको चेंज करके। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो ये दिखाएगा आपको इंटर रिलेशन कि कैसे हम ये कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये डेल्टा L जो निकल के आया, ये उसमें एलोंगेशन है, दिस इज द टोटल एलोंगेशन इन दिस 1 किलोमीटर, अगर इस L की वैल्यू हम 1 किलोमीटर रख देंगे तो ये एलोंगेशन आएगा। तो हमसे पूछे गए फाइंड द स्ट्रेच्ड लेंथ, यानी कि 1 किलोमीटर, तो स्ट्रेच लेंथ की बात करें तो क्या होगा, if we talk about stretch length, so how much that stretch length is going to be there, so 1 kilometer that is plus rho g 1 kilometer ka square divided by 2 of yang modulus, ye rakh denge to stretch length aa jayega, aur sirf extension ki baat kare to ye kya hoga hamara, this is extension, ye hamara extension hai, that is change in length hamara। So now if you want to calculate this data, so आपको ये values रखनी होगी यहाँ पे, so 1 kilometer that is stretch length की बात करें तो ये क्या हो गया, 1 kilometer that is 1000 meter, और plus क्या करना है, rho g लिखना है, rho g की value 10 रख दिया, और twice of young modulus रखना है, यानी कि rho की value है 9 × 10³, so this is 9 × 10³, ये रो जी हो गया ऊपर, और नीचे यंग मॉडुलस की वैल्यू 1.2 × 10⁻¹¹ लिखना है, so 1.2 × 10⁻¹¹ लिखना है, this, और ये 10³ जो 1 किलोमीटर था हमारा, उसका स्क्वायर है, यानी कि 10⁶ हो गई, that's what we have got, so now this is 10³, this is 10³, ये देखो 6 and 3 9 हो गया, तो ऊपर क्या हुआ 90 × 10⁹¹, और नीचे क्या हुआ 1.2 × 2 दैट इज 2.4 × 10⁻¹¹, दिस इज 90, दिस इज 90 × 10⁹¹, दिस इज 2.4 × 10⁻¹¹, सो दिस इज 10³ एंड प्लस 90 upon 2.4, और ये आया 10⁻², सो दिस इज 10³ प्लस, अब इसको आप सॉल्व करना, यानी कि 900/24, और दिस इज 10⁻², इफ यू सॉल्व इट दिस ये क्या लिख दे 9/24, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, सो दिस इज 10³ मीटर प्लस 9/24, ये सॉल्व करना तो 0.2
दिस 72 चौबीस 72, फिर 18 180 बचेगा, सो 24 144 168, यस, सो दैट इज 0.37 समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट. ये हमारा ऑलमोस्ट क्या हुआ, ये स्ट्रेच लेंथ आ गया, स्ट्रेच लेंथ आ गया, यानी कि दिस मच मीटर, 1000 प्लस दिस इज द मीटर. सिर्फ एक्सटेंशन की बात करें तो हमारे पास 0.37 मीटर कुछ एक्सटेंशन है. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उस बुक में, स्ट्रेच्ड यानी कि एक्सटेंशन इन अ वायर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उससे रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन यहाँ देख लिया है, थोड़ा सा चेंज करके आपने यहाँ क्वेश्चन देख लिया, राइट. और हम यहाँ पे कैसे ये निकाल रहे हैं स्ट्रेस और वो कैसे निकाल रहे हैं, दिस यू हैव सीन दैट. सो दिस थ्री क्वेश्चंस वी हैव डन. थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लेट्स सी. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए. सो आई नीड टू टेक ब्रीथ प्रॉपरली. सो नाउ अ रिंग ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी, अ रिंग ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो is rotated about a stationary and vertical axis passing through its center and perpendicular to the plane of the ring. I would like to suggest you that you read the question twice. Itne mein main, aap jab is question ko padhenge, to main itne mein iska ek figure bana deta hun, jo aapko achhe se samajh mein aana chahiye, what actually we are saying. Ek ring hai, and that ring is a ring of wire. Iska radius r maan liya, its radius is r. Its radius is R. और इस R radius के ring को हम, इस R radius के ring को और इसकी इसकी density rho है, is rotated about a stationary and vertical axis. यानी इस axis के about it is being rotated. और let's suppose omega इसकी angular velocity है जिससे कि आप इसको rotate करा रहे हैं. Rotated a ring of wire of radius R and density rho is rotated about a stationary and vertical axis passing through its center and perpendicular to the plane of ring. If omega is angular velocity, then find a tension in wire. यानी कि जब आप इसको रोटेट करेंगे, तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस रिंग के ऊपर. सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसको रोटेट कराने में लगा रहे होंगे. और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पूरे रिंग पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा. तो अंदर और बाहर की फोर्स की वजह से वो पूरा का पूरा रिंग क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा. तो इसमें टेंशन आ जाएगा इस पूरे रिंग में. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. आपने कोई इस तरीके का रिंग लेकर के आप इसको घूमना चाहेंगे, आप इसको, तो पहले वो ढीला रहेगा, और अगर आप और बढ़ाते जाए तो वो पूरी क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा. आई होप यू टेक अ रबर या एनी मटेरियल का एक रिंग ले लीजिए, और वो ढीला पड़ा हुआ, आप इसको घुमाते जाइए, तो जितना ज्यादा ओमेगा करते जाएंगे वो क्या होता, वो और टाइट होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा. तो आप ओमेगा और बढ़ाएंगे तो वो पूरी तरीके से, लेट सपोज, वो टाइट हो गया. अब अगर उससे ज्यादा आप ओमेगा बढ़ाते हैं तो और वो उसमें टेंशन बढ़ता जाएगा और वो एक्सटेंड करने की सोचेगा. तो फाइनली एक ओमेगा ऐसा आएगा जिससे ओमेगा के ऊपर अगर आप और उतने तेजी से घुमाओगे तो वो उसमें और टेंशन बढ़ता गया, और टेंशन बढ़ने से उसके अंदर का जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा. तो हो सकता है उस स्ट्रेस को एक टाइम के बाद वो झेल ना पाया और फिर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. तो दैट इज व्हाट द इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन बनाया गया है. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे. सो नाउ हियर इन दिस केस, लेट सपोज किसी एक इंस्टेंट पे कहा जा रहा है कि भाई जब रिंग ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर डेंसिटी दिस रोटेट किया जा रहा है, इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी देन फाइंड टेंशन इन वायर. यानी कि ओमेगा पे ये इतना ये टाइट हो चुका है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो उस केस में रिंग के मटेरियल जो वायर है उसमें कितना टेंशन है पहले आपको ये बताना है, फिर स्ट्रेस इन वायर बताना है, और फिर एक ऐसा ओमेगा फाइंड करना है जिस केस में वो टूट जाए और अगर उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है तो. सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस. तो सपोज कर लो कि हमने इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं और ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है, तो हम इसके ऊपर दो छोटे से लाइक ये पार्ट और ये पार्ट,
ये पार्ट हमने सिर्फ इतना लिया और इसको डीए लेंथ मान लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। लेट सपोज वी हैव कनेक्टेड लाइक दिस, बाद में इसको डॉटेड बना देंगे, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया समथिंग लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट कर दिया और फिर इधर से भी ऐसे कनेक्ट कनेक्ट कर दिया और ऐसे भी कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्शन के बाद हमने इसको डॉटेड बनाया और ये लो भाई ये डॉटेड हो गया। यस, ऐसे ऐसे करके हमें पता है कि ये आर रेडियस है और ये हमारे पास कितना है भाई, दिस इज हाउ मच वी कैन टेक इट डीएल, इसको हमने डीएल मान लिया, दिस लेंथ इज डीएल, यानी कि ये हमारे पास यहां से यहां तक डीएल लेंथ है। इस डीएल लेंथ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि जब ये टाइट होएगा तो रिंग जब टाइट होएगा तो इसमें टेंशन आएगा, तो टेंशन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन कैसे दिखाएंगे, तो लेट मी शो यू द टेंशन इन दिस। यहाँ का टेंशन ऐसे दिखा रखे है राइट, ऐसे टेंजेंशियल, और इसका टेंशन ऐसे टेंजेंशियल दिखा दे ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये हमने कहा कि यहाँ पे टेंशन टी हो गया और यहाँ पे टेंशन टी हो गया, ये जो टेंशन हमने दिखाया, यस ये जो टेंशन दिखाया, अब जरा गौर से देखिए, ये जो टेंशन दिखाया, मैं इसको ऐसे पीछे लेके जाऊं, ये जो टेंशन दिखाया इसको पीछे लेके जाऊं, करेक्ट राइट, और ठीक उसी तरीके से इसको भी लेके आऊं, इस वाले का, इसका भी ये पीछे लेके जाऊं ऐसे, ठीक है जी। तो ये दोनों, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन, पहले टी दिखाया था, लेकिन ये जो टेंशन है, इस टेंशन को अगर मैं पीछे लेके जाऊं, ये टेंशन को ऐसे पीछे लेके, यानी कि यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो टेंशन है, इन दोनों वेक्टर को ऐसे पीछे लेके जाऊं, तो ये यहाँ कहीं पे कट करेंगे और इस जगह पे कोई सर्टेन एंगल बनेगा, यानी कि ये टेंशन और ये टेंशन अगर हम इनको पीछे लेके जाए तो ये यहाँ मीट करे, ये इनके बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगल होगा राइट। सो सी, अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक और बेहतर यहाँ पे फिगर बना दिया ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके। तो मैंने जैसे बताया कि ये टेंशन था, इस टेंशन को अगर मैंने ऐसे पीछे करता है या इसको पीछे करता है तो ये यहाँ पे कट करता है। तो सी, मैंने ये रिंग आपको एक तरीके से यहाँ बना दी, ये ओ है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा था, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। तो बी पॉइंट पे जो यहाँ पे टेंशन था वो कुछ ऐसे था, ए पॉइंट पे जो टेंशन था ऐसे था, इन दोनों को अगर हम पीछे लेके गए, ये टेंशन क्या काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे, तो इसको पीछे लेके गए, यहाँ इस पॉइंट पे मीट किया हमने, और ये जो टेंशन है वो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये क्या हुआ, 90 डिग्री पे होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल होगा ना ये, और ये जो वायर है, इस वायर में इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, इस वायर में टेंजेंशियल होगा, और ये रेडियस है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और लेट सपोज कि ये जो डीएल लेंथ है आपने, ये इस पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, यानी कि दिस ए बी ऑफ डीएल लेंथ, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा। Now look at this, अगर इस पॉइंट को हम मैं P मान लेता हूँ, तो बेटा दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी एंड ये P, एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल क्या बना, ओ बी पी ए, जिसमें दो 90 डिग्री है, और एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये 90 कितना हो गया 180, तो अगर ये थीटा है तो इस एंगल को कितना पड़ेगा 180 माइनस थीटा होना पड़ेगा, तो ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा है, तो ये जो फोर्स वेक्टर है, ये जो फोर्स वेक्टर यानी कि जो टेंशन है हमारा, जिसको हम टी लिख लें या एफ लिख लें, राइट टी लिख लें या एफ लिख लें, टेंशन पूछा गया है या दिस इज एफ लिख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको राइट, तो ये एफ लिख लिया, तो ये दोनों एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना 180 माइनस थीटा, तो इस एफ और इस एफ का, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा बाईसेक्टर पे, तो ये जो ब्लू एरो दिख रहा है ये क्या होगा, इसके अंदर जो ए और बी पे जो इस फोर्स है, उस फोर्स की वजह से रिजल्टेंट फोर्स इस ए बी पोर्शन पे किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स है, और ठीक इसके अपोजिट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये जो फोर्सेस यानी कि टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है, यही हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे दे रहा होगा, तो और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पे जो इन फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, व्हिच शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो वी विल से दैट कि पहले इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, सो रिजल्टेंट सॉल्यूशन लिख रहे हम लोग यहाँ पे, एंड सो सॉल्यूशन में लिखी रिजल्टेंट ऑफ
resultant of right f resultant of f vector at a and resultant of f vector resultant of f vector at a and b मतलब फोर्स वेक्टर का रिजल्टेंट ऑफ एफ ऐसे लिखे ना वरना ये आप विल से लाइक दिस सो विल से लाइक दिस रिजल्टेंट फोर्स फोर्स ऑन arc arc b a arc b a that b a arc ki baat kar resultant force on arc b a due to tensile force to jo ye tension wala jo force lag raha hoga isko hum tensile force kahenge kyunki that is going to bring extension in this isko tensile force bhi keh sakte hain इस ये टेंसाइल फोर्स वाली बात जो है आगे एक क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन आर्क बी ए ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स लाइक ये और ये इनका फोर्स किधर होगा सो दैट इज गोइंग टू बी देयर दैट इज एफ आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू टू इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा यार कि ये दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर का होता है ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये क्या निकल गया है टू एफ cos of 180 minus this upon hum log we write like this 2a cos theta by 2 so this is 2f aur ye kya aa gaya cos 180 minus theta yani ki ye cos 90 minus theta by 2 yani ki ye sin theta by 2 aa gaya this is how it has come so the formula is 2f sin theta by 2 ye hamare paas result aa gaya so this is 2f sin theta by 2 to ye force hamare paas lag raha hoga 2f sin of theta by 2 ये फोर्स लग रहा होगा हमारे पास इधर की तरफ अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो आर के भी है ये dl है दिस इज वेरी स्मॉल तो यानी कि जो ये थीटा है सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल भाई ये आर्क छोटा है ना ये आर्क छोटा है इस आर्क छोटा होने की वजह से ये एंगल भी छोटा होगा तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर थीटा कैन बी रिटन एज डी थीटा इसको डी थीटा लिख लेते हैं और यस और थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं उस केस में थीटा लिखते हैं तो जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ही आपको पढ़ाया गया है सो नाउ हियर इन दिस केस दिस विल बिकम दिस एफ आर इज इक्वल टू नाउ टू एफ और साइन थीटा बाई टू को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे थीटा वेरी स्मॉल है तो थीटा बाई टू भी वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग यानी कि साइन ऑफ थीटा बाई टू कैन बी रिटन एज थीटा बाई टू ऐसे तो आपके पास ये रिजल्ट क्या हो गया 2f fr की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f एंड थीटा बाय 2 सो फाइनली ये सॉल्व होकर के क्या आएगा f थीटा आ गया हमने लिख दिया जी तो ये हमारे पास जो ये एरो जो आया ये f थीटा के बराबर है और इतना ही क्या होना चाहिए इस पे यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए और वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होना चाहिए सो दिस f थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस f थीटा मस्ट बी इक्वल टू अब dl पार्ट आपने लिया तो उसका मास कितना हुआ dm मान लिया और ये r स्क्वायर और * ओमेगा इस थीटा को क्या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस यानी कि डीएल अपॉन रेडियस तो इस थीटा को लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस कर दिया और इस डीएम को क्या लिखेंगे सो डीएम इज पूरे रिंग का मास अपॉन 2 पाई आर मास पर यूनिट लेंथ और छोटे से डीएल का मास हो गया डीएम और इनटू आर इनटू ओमेगा स्क्वायर सो नाउ इन दिस केस ये डीएल और ये डीएल कैंसिल हो जाएंगे सो आप कैंसिल कर दीजिए इस डीएल को इस डीएल से कैंसिल कर दीजिए इस आर को आप इस आर से कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास ये बचा क्या दिस एफ इज इक्वल टू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ सो दिस इज m by 2 या इस dl को इस dl से कैंसिल कर दिया थीटा को लेंथ ऑफ और आर्क अपॉन रेडियस यस इस आर को ये आर कट गया dl dl कट गया सो दिस इज m by 2 पाई एंड दिस इज r ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास फोर्स निकल गया है
दिस इज वॉट द फोर्स वी हैव गॉट. ये फोर्स हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है यहाँ पे, यही टेंशन के फॉर्म में है. सो नाउ वी आर सेइंग कि इस टेंशन क्या होगा, पहले हमसे पूछा गया टेंशन क्या होगा, वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, हमारे पास पहला सवाल है यहाँ पे टेंशन इन वायर. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी मास दे रखा क्या, इट्स नॉट गिवन. नो, हमें रेडियस आर दे रखा है, डेंसिटी रो दे रखा है, और रेडियस आर है तो लेंथ 2πr हो गया. तो हमें इस एम को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. तो इस एम को क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस टी इज इक्वल टू एफ, और दिस इज एम को लिखते हैं हम लोग. एम इज टू, लाइक मास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया. आई मीन पहले तो 2πr उसका जो ये जो वायर है हमारे पास, ये जो वायर है दिस, यानी कि ये 2πr लेंथ का, दिस इज ऑफ 2πr लेंथ, राइट. एंड इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इट हैज सर्टेन क्रॉस सेक्शन एरिया. तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग ए मान लेते हैं. तो हम लोग लेंथ इनटू एरिया अगर लिखें, यानी कि मास को लिखते हैं 2πr लेंथ, और उसमें एरिया मल्टीप्लाई किया, मास इनटू एरिया, ये क्या, सॉरी लेंथ इनटू एरिया, ये क्या हो गया वॉल्यूम, उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया मास हो गया. सो 2πr इनटू ए इनटू रो, ये हो गया मास, और इनटू दिस आर इनटू दिस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2πr. सो इफ यू सॉल्व इट व्हाट कम्स आउट हियर फ्रॉम 2πr, 2πr कैंसिल हो गया जी, और ए आ गया एंड दिस रो आ गया, 2πr 2πr कैंसिल हो गया, फिर ए रो आ गया और दिस आर और आर यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर हो गया. ये हमारे पास टेंशन आ गया. लेकिन इस टेंशन को अगर मैं इस ए से डिवाइड कर दूं, ये टेंशन अपॉन ए कर दूं, तो ये क्या आ गया, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये टेंशन अपॉन एरिया, ये क्या हो गया हमारे पास, पहले तो टेंशन निकालना था, तो ये टेंशन हो गया हमारा, दिस इज द टेंशन इन वायर. ये हमारे लिए क्या हो गया, इस वायर में, इस पूरे लूप के अंदर में जो टेंशन डेवलप हुआ, फाइंड टेंशन इन वायर, तो टेंशन आपने निकाल दिया. और ये स्ट्रेस भी पूछा था, तो टी अपॉन ए दैट इज करोगे तो रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका, स्ट्रेस बन गया. सो दिस इज योर स्ट्रेस, और ये क्या हुआ टेंशन, उसमें टेंशन इन लूप या लूप, ये आ गया और ये स्ट्रेस आ गया. सो नाउ हियर इन दिस पार्ट, लाइक जब आप इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से करो, तो टेंशन इन वायर कितना होगा और स्ट्रेस इन वायर कितना होगा, ये आपने दोनों लिख लिया. ये टेंशन आ गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इसमें कहीं पे दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ रहेगा. टेंशन इन वायर, लाइक इफ ए क्रॉस सेक्शन एरिया, मान ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है तो राइट. और स्ट्रेस इन वायर तो आपने निकाल लिया कुछ इस तरीके से. तो देखो स्ट्रेस निकालने में आपको रो आर ओमेगा दे रखा है, तो इस तरीके से ये स्ट्रेस आ गया, ये टेंशन लूप हो गया. अब आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे, मैक्सिमम ओमेगा फॉर विच रिंग रप्चर्स इफ ब्रेकिंग स्ट्रेस इज एक्स मैक्सिमम. तो फिलहाल यहाँ पे जो ये रिजल्ट है हमारे पास, सिंस टी बाई ए इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज आवर स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन रो इनटू आर स्क्वायर. ये अंदर रूट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन दिस, तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस, यानी कि 1/r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस अपॉन यस, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, ये ओमेगा निकल के आया. सो आप इस स्ट्रेस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई अगर इतना स्ट्रेस होगा तो ये ओमेगा होगा, सॉरी स्ट्रेस निकाल दिया और ये एंगुलर वेलोसिटी निकाल दिया. जो अब क्या देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ओमेगा बढ़ाएंगे आप, यहाँ से देखिए, जितना ज्यादा ओमेगा बढ़ाएंगे स्ट्रेस क्या होगा, इतना बढ़ता जाएगा. तो आप कह रहे हैं कि एक ऐसा ओमेगा बताओ, ये एक ऐसा ओमेगा बताओ जिस पे ब्रेकिंग स्ट्रेस हो. तो यानी कि ये स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा. सो ओमेगा मैक्सिमम इज इक्वल टू नाउ व्हाट, 1/r अंडर रूट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो. ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होकर के आ गया, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट. सो आई होप यू गॉट इट नाउ. सो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे टेंशन निकालना ये सिखाया कि ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, कि अगर मैं इस रिंग को ऐसे घुमा रहा हूँ तो बताओ इसमें टेंशन कितना होगा और स्ट्रेस कितना होगा, फिर वहाँ पे एरिया दे रखा होगा, तो मैंने इसमें यहाँ एरिया देना भूल गया था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया. इस तरीके से स्ट्रेस टेंशन भी निकाल सकते हो और इसके अंदर का स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, फिर ये रप्चर वाली कहानी भी बना सकते हो. ये देख रहे कि कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्कस हो गए, राइट. तो ये
हमारे पास इसमें भी लाइक जब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं ना, जब इसको घुमाते हैं, तो कुछ इसमें भी पूछा जा सकता है कि जब हम इतना करेंगे तो इसमें क्या, अगर यंग मॉडुलस इसका दे रखा होगा तो बताओ इसमें स्ट्रेन कितना पैदा होगा, यानी कि कितना ज्यादा ये फैल जाएगा, यानी कि जितना इसका रेडियस था उससे तो जरूर कहीं ना कहीं इसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होएगा, तो हम स्ट्रेन भी पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। सो टिल नाउ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, वी हैव डन 3 एंड दिस इज 4, राइट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लुक, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन हियर वी हैव, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यू रीड दिस क्वेश्चन, मैं इससे रिलेटेड एक डायग्राम बनाता हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। So what we have done is here, like I hope you have read the question. A bar of cross-section area A is subjected to two equal and opposite tensile forces F. Let's suppose मैं यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ। एक फोर्स ऐसे लगा दिया और एक फोर्स ऐसे लगा दिया। I have applied force like this. ये tensile force का क्या मतलब है? What is the meaning of tensile force here? So जो फोर्स एलोंगेशन लेके आता है, राइट, स्ट्रेस, जो फोर्स स्ट्रेस बनाता है और एलोंगेशन लेके आता है, उसको हम लोग टेंसाइल फोर्स कहते हैं। और जो कॉम्प्रेशनल कॉम्प्रेशन पैदा करता है, यानी कि लेंथ में चेंज लेके आता है, तो उसको हम लोग टेंसाइल फोर्स, वो भी टेंसाइल फोर्स का एक पार्ट है, बट उसको कॉम्प्रेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो अगर हम किसी बॉडी को ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, so it may bring change in its length, therefore we call it tensile force. I hope you got it now. Yes. So जो हमारा stress होता है उसको हम लोग दो part में divide करते हैं, उसको एक tensile stress कहते हैं और दूसरा एक हम shear stress कहते हैं। Tensile stress जो है वो हमारे लिए compressional tensile stress जो है उसको हम लोग longitudinal stress and normal stress में divide करते हैं, longitudinal stress and normal stress में divide कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है हमारा, वो लेंथ में जो चेंज लेके आता है उसी को हम दो पोर्शन में कह सकते हैं, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस और वी कैन कॉल इट कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, जब वो कॉम्प्रेस होता है। तो आई होप यू गॉट इट नाउ। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हमारा, इसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। So now, so what I say that कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये इसमें स्ट्रेस लगा हुआ है, लाइक टेंसाइल स्ट्रेस सेफ दिखा रखा गया। कंसिडर अ प्लेन थ्रू द बार, यानी कि इस बार, ये जो बार है, इस बार से हम एक प्लेन कंसिडर करें। कंसिडर अ प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा विथ अ प्लेन एट राइट एंगल टू द बार। तो देखो जी, ये एक हमारे पास बार है, इस बार में एक हमने एक प्लेन ले लिया, इस बार के अंदर एक कट लगाया, एक प्लेन ले लिया। This plane is at 90 degree to the this is at 90 degree to the bar. यानी कि ये जो bar है, इस bar का length का, यानी कि इसके length से ये 90 degree पे है। This is making angle of 90 degree from its length. यानी कि अगर आप ये length लेके चल रहे, if you are considering this side as length, ये आप length लेके चल रहे हैं, तो इस length से ये वाला जो plane है, ये बिल्कुल perpendicular है। और इस plane से थीटा एंगल पे, इस प्लेन से थीटा एंगल पे हम लोगों ने एक दूसरा प्लेन कंसिडर किया है। कहा जा रहा है कंसिडर अ प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा विथ अ प्लेन एट राइट एंगल्स टू द बार। यानी कि इस बार के
लेंथ के परपेंडिकुलर हमने एक प्लेन लिया है, दिस इज अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर। ये प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर है हमारे लिए, राइट? परपेंडिकुलर प्लेन है ये, परपेंडिकुलर प्लेन है हमारा, प्लेन टू लेंथ। और ये हमने थीटा एंगल पे हमें जो बोला गया था लेने के लिए, दैट वी हैव टेकन। अब कहा जा रहा है फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस, फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस एट दिस प्लेन, इस प्लेन पे टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस पता करना है इन द फॉर्म ऑफ दिस एफ एंड एरिया ऑफ इस प्लेन का, और बार ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया कितना है हमारे पास? एरिया ऑफ दिस वन इज ए, ये इसका एरिया है। सो एफ ए और थीटा के फॉर्म में इस वाले प्लेन पे हमें टेंसाइल स्ट्रेस पता करना है और शेयरिंग स्ट्रेस पता करना है इन टर्म्स ऑफ एफ ए थीटा। और फिर हमसे पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो ये एक बार लिया हमने ऐसे एक प्लेन इस पे लिया, जो इसके एक क्रॉस सेक्शन लिया जो कि बार के लेंथ के परपेंडिकुलर है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन टू द लेंथ, इसे थीटा एंगल पे हमने दूसरा ले लिया। अब हमें इसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब देखो, अगर आप इस बार को सपोज करो इस तरीके के बार को और ऐसे ऐसे तोड़ो, इफ यू सेपरेट दिस, यहाँ पे इसको सेपरेट करना चाहो, इस पार्ट को आप अलग करना चाहो, यहाँ से ऐसे काट करके एक प्लेन निकालना चाहो, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा? तो अभी तो आपने यहाँ पे एक तरीके से इधर फोर्स लगा रखा है, इधर फोर्स लगा रखा है, और ये इस प्लेन को कंसिडर करना, तोड़ करके इसको अलग नहीं लेके जाना, इसका मतलब कि इस तरीके के प्लेन पे आपको टेंसाइल और शेयरिंग स्ट्रेस सोचना है। इट डजंट मीन दैट कि इसको काट के मतलब इतना फोर्स लगाए कि ये यहाँ से टूट गया, नो दैट्स नॉट द पॉइंट। यानी कि ये अभी टूटा नहीं है, अलग नहीं हुआ है, सिर्फ इस तरीके के क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि अगर इस क्रॉस सेक्शन पे पूछा जाता, इस क्रॉस सेक्शन पे पूछा जाता तो क्या होता, ये फोर्स और ये फोर्स से यहाँ पे क्या निकल के आता, क्या निकल के आता? सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस जो कि नॉर्मल स्ट्रेस की बात करता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करता है, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करता है, तो हम एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए ही लिख देते, राइट? और यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस हम नहीं कैलकुलेट कर पाते क्योंकि जो ये फोर्स है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा होता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जरा देखो ये क्या दिखा रहा हूँ, सपोज कर लो कुछ इस तरीके का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ पे, राइट? या चलो इसको हटा करके ये राउंड ये क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं हम इस तरीके का, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या हो रहा होता है? अगर आप ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर रहे होते तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक इधर भी फोर्स लग रहा होता, ऐसे भी फोर्स लग रहा होता और ऐसे भी फोर्स लग रहा होता, ऐसे ही कंसिडर होता ना, यहाँ पे हर जगह फोर्स ऐसे लग रहा होता, ये ऐसे फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऐसे लग रहा होता, फोर्स ऐसे लग रहा होता, फोर्स ऐसे लग रहा होता, यानी कि इस वाले पे कंसिडर करते तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यही एफ अपॉन ए मिलता है, चूंकि भाई, और अगर आप यहाँ भी बना लेते, इफ यू कुड हैव टेकन अ, यहाँ पे अगर आप रिंग बना लेते, इफ यू कुड हैव टेकन अ रिंग हियर, यहाँ भी ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ ये बड़े सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। तो अगर आप यहाँ भी ले लेते और फिर इसके ऊपर आप बनाते तो आप क्या कहते हो, ओके ऐसे फोर्स आ गया, इस तरीके से फोर्स आ गया, ऐसे फोर्स आ गया, इस तरीके से फोर्स आ गया, इधर भी फोर्स होता ऐसे, इधर भी फोर्स होता कुछ इस तरीके से, राइट? ऐसे फोर्स होता, कुछ ऐसे फोर्स होता, कुछ ऐसे फोर्स होता, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे कंसिडर करना होता, इस पे कंसिडर करना होता, तो हम यही एफ लिखते, ये एफ लिखते, एफ अपॉन ए लिख देते, यहाँ भी एफ अपॉन ए लिख देते, राइट? बट दे आर नॉट सेइंग कि आप इस पे कंसिडर करो, दे आर सेइंग कि इस पे कंसिडर करो, इस वाले पार्ट पे कंसिडर करो। तो इस वाले पार्ट पे कंसिडर करेंगे तो ये अगर ऐसा प्लेन लेंगे तो इसका एरिया कितने के बराबर होगा? सो व्हाट इज इट्स एरिया, ये एरिया कितने के बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये एरिया कितने के बराबर है, ये एरिया कितने के बराबर है, पहले लेट्स फाइंड दिस एरिया। यानी कि अगर ऐसा प्लेन होगा तो एरिया ऑफ दिस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो, अगर ऐसे लेते हैं तो एरिया ए है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होना चाहिए? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप ये वाला एरिया लेंगे, इसी एरिया का ये एक कॉम्पोनेंट है ना, इफ दिस इज द एरिया, इसी एरिया का ये कॉम्पोनेंट है, तो हम लोग यहाँ पे अगर ये ए है तो ये कितना होगा, तो हम लोग ये cos theta is equal to base upon hypotenuse लगाएंगे, base upon hypotenuse, so base कितना होगा हमारा a, और इसके area को हमने a dash मान लिया, so this is area of this cross section a dash माना, this a dash is equal to हमारे पास क्या आ गया जी, that is a upon cos theta,
यानी कि इस वाले का यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, इफ आई कुड शो यू लाइक दिस, यानी कि इस तरीके का जो क्रॉस सेक्शन बना, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन बना, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, ए बाई कॉस थीटा। तो ये ए बाई कॉस थीटा इसका हुआ हमारे पास एरिया। अब इस पे भी फोर्स कैसे लग रहा होगा, जैसे ये फोर्स एफ लग रहा है ऐसे लग रहा है, तो इसके भी फोर्स ऐसे लग रहे होंगे यहाँ पे। तो इफ आई शो कि यहाँ भी फोर्स ऐसे एफ लग रहा होगा, यहाँ पे भी फोर्स कैसे लग रहा होगा, एफ फोर्स लग रहा होगा। हम थोड़ा नीचे ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा मोटा मोटे से लेके दिखाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये फोर्स कैसे लग रहा होगा, यहाँ भी ये फोर्स हमारा एफ के बराबर लग रहा होगा। और इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से यानी कि इसके ऊपर भी फोर्स ऐसे एफ लग रहा होगा, इधर भी फोर्स एफ लग रहा होगा, लेकिन हमारा जो एरिया है और जो हमारा फोर्स है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। यानी कि जो हमारा एरिया है ए बाई कॉस थीटा, ये फोर्स ए बाई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग रिजोल्व कर देंगे, और इस फोर्स को रिजोल्व करके दो पार्ट में लेके आएंगे। तो लेट सपोज इस फोर्स को हमने रिजोल्व किया, तो इस फोर्स को एक रिजोल्व ऐसे कर दिया इस तरीके से, राइट, और दूसरा हमने रिजोल्यूशन फोर्स का कुछ इस तरीके से कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरीके से दिखा दिया। सो नाउ हियर इन दिस केस, लेट मी यूज दिस पर्टिकुलर कलर, राइट। कुछ इस तरीके से दिखा दिया। सो नाउ हियर इन दिस पार्ट, तो हमने ये जो हमारा ब्लैक वाला फोर्स था, इस फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से येलो के फॉर्म में और इस तरीके से। तो ये जो फोर्स होगा, ये हमारा फोर्स कितना होगा, अब दिस एंगल इज थीटा, सो इफ दिस एंगल एंड दिस इज, इफ यू टेक दिस, ये फोर्स है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा हमारे पास, आई से दैट दिस इज थीटा, अगर ये एरो इधर जाएगा तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो एफ का ये कंपोनेंट जो हमारे पास होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस इज एफ साइन थीटा। एफ का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये 90 माइनस है, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा आ जाएगा। और इधर क्या आएगा हमारा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा आ जाएगा। सो दिस इज, यहाँ एफ कॉस थीटा होगा और इधर एफ साइन थीटा हो गया। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक दिस, ये फिगर को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, और आई एम शोइंग यू दिस, और अब हमने यहाँ पे फोर्स हमारे पास कुछ ऐसे था, ये हटा देते हैं, ये वाला लेते हैं, ये हमारे पास फोर्स था, इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया, कुछ इस तरीके से रिजॉल्व किया, एक ऐसे लगा दिया और एक हमने कुछ ऐसे रिजॉल्व किया, ऐसे रिजॉल्व किया, दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। और हमें मालूम है कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं, राइट, अब हमने यहां पे लिखा दिस इज एफ एंड दिस हैज कम, ये जो निकाला एफ साइन थीटा और ये हमारे पास आया एफ कॉस थीटा, और हमें इसका एरिया पता है, एंड एरिया ऑफ दिस कम्स आउट हाउ मच, ए बाई कॉस थीटा। तो ये जो इस क्रॉस सेक्शन का, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पे जो ये फोर्स लगा है एफ कॉस थीटा, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर लगा हुआ, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। सो टेंसाइल स्ट्रेस क्या बना हमारे लिए, सो द टेंसाइल स्ट्रेस हियर इज, टेंसाइल स्ट्रेस जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, तो दिस टेंसाइल स्ट्रेस इज एफ कॉस थीटा, और इसका एरिया कितना लिखेंगे, ए बाई कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया एफ कॉस थीटा अपॉन दिस ए, और ये कॉस थीटा चला गया ऊपर, सो दिस कम्स आउट एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मजबूरी है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। सो दिस इज, ये आपके पास एफ कॉस स्क्वायर थीटा टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। अब आपसे पूछा गया शेयरिंग स्ट्रेस बताइए, तो शेयरिंग स्ट्रेस की अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा, ये फोर्स क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और
इसका एरिया कितना है, ए बाई कॉस थीटा, सो दिस इज ए बाई कॉस थीटा आपने कर दिया ये। अब अगले पार्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए कर दीजिए, करेक्ट। अब अगर ऊपर नीचे टू मल्टीप्लाई कर दें, टू ऐसे और टू ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि दिस विल बिकम एफ साइन थीटा टू थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, टू ए। सो दिस इज एक तरीके से ये आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस हो गया एफ साइन टू थीटा अपॉन टू ए, और टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो गया एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए। ये आपके पास एक तरीके से रिजल्ट आ गया जो हमारे पास पहला सवाल था, वे टेंसाइल स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस एट दिस प्लेन इन फॉर्म ऑफ एफ ए एंड थीटा निकालिए, तो ये आपने निकाल दिया एफ ए और थीटा के फॉर्म में। अब आपसे क्या पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, सो वी नीड टू डू दैट, सो लेट मी गो फॉर डू। सो नाउ हियर इन दिस केस, तो हमसे पूछा रहा है कि किस थीटा के लिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो क्या है, एफ बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कब मैक्सिमम होगा, अगर आपका ये एफ ही लगता रहे, इफ दिस एफ इज देयर और ये एफ क्या हो लग ही रहा है, तो इस थीटा के बेसिस पे, यानी कि इसमें एफ तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सो फॉर विच थीटा दिस विल दिस टेंसाइल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा जब मैक्सिमम होगा, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वन, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन होगी, यानी कि इन दैट सिचुएशन, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होगी, तो फिर उस केस में कॉस थीटा कितना होगा हमारे लिए, कॉस थीटा लाइक दिस इज कॉस जीरो डिग्री या कॉस 180 डिग्री, टेंसाइल स्ट्रेस अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं, सो वी आर सेइंग कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो ये वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, और कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वन, और कॉस थीटा वन क्या होता है, जीरो डिग्री पे, और यू कैन से 180 डिग्री पे, तो यहाँ तो 180 डिग्री का कोई सीन नहीं है ना भाई, जीरो से थीटा के बीच में करो, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। अब आपने कुछ सीखा यहाँ पे कि अगर थीटा जीरो डिग्री हो, यानी कि ये कट की बात नहीं करी, सिर्फ इसकी बात करें, थीटा जीरो होने का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेन, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं उससे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस बनेगा, और वो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। और जब थीटा जीरो डिग्री होगा, यानी कि थीटा जीरो डिग्री होगा, सो एट थीटा जीरो डिग्री, तो अब जरा देखो ये जो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, तो शेयरिंग स्ट्रेस कम्स आउट, शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे जीरो रख दोगे, तो साइन जीरो हो जाएगा, जीरो शेयरिंग स्ट्रेस जीरो हो गया। सो व्हाट आई वांटेड टू से दैट कि यहाँ पे जब ऐसे क्रॉस सेक्शन होएगा, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो फोर्स से पर यूनिट एरिया से जो ये लग रहा है, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, यही हम लोग लाइक अगर डायरेक्शन इसका ये अंदर की तरफ कर दे, इस फोर्स को अंदर की तरफ दे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस बन जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ, यस, इसी को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी कह देते हैं, क्लियर है। तो जब एरिया फोर्स के परपेंडिकुलर हो रहा होगा, तो उस केस में टेंसाइल स्ट्रेस बनेगा, एंड वहां पे शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। ये बात समझ में शेयरिंग स्ट्रेस जीरो डिग्री नहीं, जीरो होगा। सो टेंसाइल स्ट्रेस कब मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि उस केस में टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज एफ बाई ए होगा एट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। सो जो आपसे पूछा गया था, राइट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंसाइल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री पे, यस, टीएस इज मैक्सिमम एफ बाई ए, टीएस मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ बाई ए एट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। अब दूसरी बात कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, एसएस की बात करते हैं, सो दैट इज that formula is f by 2a and sin 2 theta, right, that's what the point is. to ye shearing stress maximum kab hoga, to shearing stress maximum hone ka matlab, ye maximum hone ka matlab f by 2a sin 2 theta ki value maximum honi chahiye, iski value maximum honi chahiye, jisme se f by 2a fix hai, yani ki this implies ki bhai ss maximum kab hoga jab sin 2 theta ki maximum value hogi, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, एफ एफ एस स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब कब होगा, जब ये कुछ चिपक गया, तो इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, यस,
आई से दैट हियर कि शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा कब, एट साइन टू थीटा मैक्स, जब साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी. और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी वन, वन विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. सो दिस इम्प्लाइज टू थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दिस इम्प्लाइज थीटा शुड बी 45 डिग्री. यानी कि जब ये थीटा 45 डिग्री होगा तो उस पर शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा. सो शेयरिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एस एस मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू आई कितने के बराबर, तो भाई साइन 90 यहाँ पे रखोगे क्योंकि थीटा 45 रख दिया, सो एफ बाई टू ए, यानी कि ये हमारा होगा एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. यानी कि यहाँ से 45 डिग्री पे आप कोई प्लेन ले लोगे नॉर्मल से, तो उस पे जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड दैट वैल्यू इज एफ बाई टू ए, राइट. और इस थीटा पे, एट दिस थीटा अगर ये आप लोगे तो भाई टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकल के आएगी इस वाले थीटा पे, सो एफ बाई ए करेक्ट. और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा 1/2, यानी कि वो भी क्या आएगा एफ बाई टू ए होगा. यानी कि जिस थीटा के ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा उसी थीटा पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा वो शेयरिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा. बट वो शेयरिंग टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए और फिर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए. सो नाउ आई विल टेक यू टू द अनदर क्वेश्चन हियर. सो नाउ इन दिस केस क्वेश्चन दाई फाइंड रेशियो ऑफ लैटरल कॉन्ट्रैक्शनल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशनल स्ट्रेन फॉर अ स्ट्रेच वायर हैविंग नो चेंज इन वैल्यू. मतलब कोई वायर है, उस वायर को आपने खींच दिया, उसमें क्या हो गया भाई, लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन हो गया, मतलब बढ़ गई उसकी लेंथ, और वहां पे लैटरल कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, बट उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है. तो आपको लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या करना है, रेशियो निकालना है. वी नो इट इज पॉइजन रेशियो, बट हमें उस पॉइजन रेशियो की वैल्यूज निकालनी है. इफ यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन वी हैव डन वेयर इन आवर लेक्चर नंबर 2, बट आई एम डूइंग हियर बिकॉज मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं चाह रहा कि आप उन दोनों को रिलेट करके स्टडी करें तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा. सो नाउ हियर इन दिस केस लाइक लेट सपोज यहाँ पे एक हमने कोई इस तरीके से इंक्रीज्ड, ये हमारे पास इस तरीके से एक स्टैंड हो गया. सो नाउ वी आर सेइंग दैट कि वी नो दैट कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो. तो सिंस नो चेंज इन वॉल्यूम जरा देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा है. देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट, नो चेंज इन वॉल्यूम. एंड तो भाई पहले रेडियस था आर, लेट सपोज पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ था, तो पाई आर स्क्वायर एल हमारे लिए क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम हो गया. और बाद में इसका रेडियस छोटा हो गया, सो पाई आर माइनस डेल्टा आर इसका स्क्वायर, और लेंथ बड़ा हो गया, सो दिस इज एल प्लस डेल्टा एल कर दिया. तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये बाद की वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है. अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो दोनों तरफ पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर दिस, और ये क्या हुआ, एल प्लस डेल्टा एल बाय एल हो गया. इफ यू जस्ट गो लाइक दिस, सो इफ यू सॉल्व दिस, यानी कि इसको आप ऐसे कर लो, वन बाय आर माइनस डेल्टा आर, और नीचे क्या लिखे आर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, और इसको सॉल्व कर दिया, ये क्या हुआ एल बाय एल, और फिर क्या लिखा डेल्टा एल बाय एल, ऐसे लिख दिया, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हुआ, ये बनेगा वन माइनस डेल्टा आर बाय आर, बना इस तरीके से इसका स्क्वायर, और ये क्या हुआ वन प्लस डेल्टा एल बाय एल, चलेगा, कोई गलती तो है नहीं इसमें. ना डेल्टा आर अपॉन आर, मतलब यू नो रेडियस में चेंज कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, तो डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर बाय आर विल बी वेरी मच लेस देन वन. तो एक तरीके से यहाँ बायनोमियल यूज हो जाएगा, सो देयरफॉर यूजिंग बायनोमियल ये पढ़ा चुका हूं मैं. सो अब ये क्या बन जाएगा, सो वन अपॉन वन माइनस डेल्टा आर अपॉन
पहले तो इस ये जो रिजल्ट है इसको ऊपर लेके जाते हैं. लेट्स राइट लाइक दिस. तो व्हाट आई से दैट इसको ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसको ऊपर लेके जाते हैं. तो ये 1 माइनस डेल्टा आर बाय आर और पावर माइनस 2 लिख दें. यस, और दिस इज नाउ 1 प्लस डेल्टा एल बाय एल लिख दिया. अब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम तो आप यहाँ पर रखोगे तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल. ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल. सो दिस इम्प्लाइज वॉट नाउ, ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, करेक्ट? ऑल राइट. सो नाउ यू आर सेइंग कि देखो यहाँ पे लैटरल कॉन्ट्रैक्शनल लिखा हुआ है, गेटिंग इट, यानी कि इसके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. डेल्टा आर की वैल्यू छोटी होगी, माइनस में होगी, और डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, एलोंगेशन होगा. सो दिस इज बीइंग सेड ओवर हियर ऑलरेडी इन दिस क्वेश्चन. सो यू आर सेइंग दैट कि मुझे लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए. सो यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर दिस अपॉन डेल्टा एल बाय एल चाहिए. तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आएगा. ये आपका सिग्मा का मॉड हो गया. दिस इज पॉइजन रेशियो की वैल्यू आ गई एक तरीके से. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. आई होप यू गॉट इट नाउ. So what you are learning here, find ratio of lateral contractional strain and longitudinal elongational strain for a stretched wire having no change in volume. यानी कि अगर इसको आपने लंबा कर दिया और इसका volume तब भी same रहा, और जब यहाँ पे Poisson, I mean lateral contraction हुआ है, longitudinal elongation हुआ है, तब उस case में volume में change नहीं है, तो ये चीज होगा. और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि sigma की जो theoretical value होती है -1 से लेकर के 0.5 के बीच में होता है, बट प्रैक्टिकल वैल्यू 0.2 और 0.5 के बीच में होता है. सो दिस इज पॉइंट, दिस इज 0.5. ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड दिस क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस. देयर आर सॉलिड ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ 65 सेंटीमीटर. दिस क्वेश्चन नंबर इज, एक मिनट, दिस इज 5, दिस इज नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6 एंड नाउ वी आर एंटरिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. So this is saying a solid copper of length 65 centimeter, 65 centimeter ka, is placed on a horizontal surface and subjected to a vertical compressive force that is of 1000 Newton, directed downward and distributed uniformly over the end face. What will be the resulting change in volume of the cylinder in cubic millimeter? Aur hame is copper ka sigma malum hona chahiye, yani ki Poisson ratio hame malum hona chahiye. So let me look into the value of this. So now we have to solve this particular question. तो यहाँ पे जो हमें दिखा रखा है कुछ इस तरीके से, what they are saying is like, you see, सपोज कर लो ये हमारे पास एक सॉलिड कॉपर है और लेंथ 65 सेंटीमीटर है, और ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक 1000 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लगा रहा है. हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया एंड दैट फोर्स इज लाइक, हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया एंड दैट फोर्स इज हियर, हमने इस पे फोर्स लगा दिया, और इस फोर्स के वजह से ये 1000 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया इसके. What is being said in this question is, ये solid copper, ये solid है हमारे पास 65 सेंटीमीटर का है, horizontal surface पे रखा हुआ है, by you keep a horizontal surface here, और इस horizontal surface पे, ये एक horizontal surface है, और इस horizontal surface पे आपने इसको रख रखा है. So इस horizontal surface पे रख करके आप इस पे force लगा रहे हैं, और इस force के वजह से ये vertically downward direction में जा रहा है, और ये force uniformly इस पूरे के ऊपर distributed है, यहाँ तक जा रहा है force, और अब इसके वजह से ये compress हो जा रहा है. तो आपसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन क्यूबिक मिलीमीटर, और इसका पॉइजन रेशियो 0.34 है. मतलब इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है
इसलिए इस पोजन रेशियो की वैल्यू 0.5 नहीं है, दिस इज अ कॉपर एंड इस कॉपर का पोजन रेशियो आपके पास 0.34 आया होगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, सो हाउ विल बी डूइंग फॉर दैट, सो लेट्स सी हियर। सो वी नो दैट भाई वॉल्यूम क्या होगा इसका, यहाँ पे इसके डायमीटर का कोई चक्कर नहीं, पता नहीं चल रहा है, सो लेट्स सी, वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लाइक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। सो नाउ याद होगा जो जैसे हमने आपको लेक्चर टू में ये पढ़ाया था, तो अब उस केस में ये वॉल्यूम हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल है, तो अब क्या करेंगे, डेल्टा वी बाई वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो तरीका अभी जो हमने पीछे किया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट वहाँ पे यहाँ पे तो नो चेंज इन वॉल्यूम है, तो यानी कि एक इनिशियल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, एक फिर फाइनल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, फिर चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम एक शॉर्टकट तरीका ये जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो यूज कर लेते हैं, तो डेल्टा वी बाई वी क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर और प्लस, अच्छा दिस इज डेल्टा एल बाई एल, दैट्स वॉट द पॉइंट इज। तो ये हमारे पास डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू होनी चाहिए, टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर एंड प्लस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ये हमारे पास रिजल्ट होना चाहिए। अब वी नो दैट, यहाँ से हमें पता है, वी नो दैट क्या, कि भाई जो सिग्मा होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल के बराबर होगा, कुछ इस तरीके से होता है रिजल्ट। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम हियर सिग्मा डेल्टा एल बाई एल को और माइनस डेल्टा आर बाई आर ऐसे लिखा जा सकता है, सो दिस डेल्टा आर बाई आर कैन बी रिटन एज माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इस वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारे पास डेल्टा वी बाई वी के आ गया, सो दिस इज कमिंग आउट माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास डेल्टा एल बाई एल। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डेल्टा एल बाई एल को हम ऐसे बाहर निकाल ले, तो ये क्या आ गया, वन माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा आ गया, ये हमारे पास डेल्टा वी बाई वी आ गया, इज दैट ओके नाउ। तो हम लोग शॉर्टर फॉर्म में ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। हम ये चाहते तो ये रिजल्ट, अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होता तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे और फिर इतनी ही जगह पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नाउ इन दिस केस आपको सिग्मा मालूम है, वन माइनस टू सिग्मा अपॉन डेल्टा एल बाई एल, और इसमें इनिशियल लेंथ मालूम है 65 सेंटीमीटर, बट वॉट डू यू नॉट, और आपको वी, दिस आपको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी क्या हो गया अब अगले स्टेप में, सो दिस इज वी अपॉन एल, दिस वी, ये वी ऊपर चला गया, वी अपॉन एल इंटू दिस डेल्टा एल, और दिस इज वन माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा। नाउ दिस वी इज वॉट, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू नो यंग मॉडुलस, क्योंकि कॉपर यहाँ पे फोर्स आपने लगा रखा है, यू हैव अप्लाइड हियर फोर्स और सिग्मा दे रखा, तो हमें इसका अगर यंग मॉडुलस भी मालूम होगा तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट मी राइट कॉपर का यंग मॉडुलस, अभी हमने पीछे किया था बट हमने, एक मिनट, यस या लुक एट दिस, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.2 × 10^11, तो ये यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर हमने यूज कर लिया, दैट इज 1.2 × 10^11, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, 1.2 × 10^11, ये कॉपर का हमारा है यंग मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो हमें तो डेल्टा वी निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, सो दिस इज वी बाई एल इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पे इनिशियल लेंथ हमें दे रखा है और ये डेल्टा एल है, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें इसका एरिया ऑफ, यानी कि इसके रेडियस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और यंग मॉडुलस कॉपर का हम लोग वी नो दैट कि यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर क्या होता है, तो हम इसको यूज करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको अभी यहाँ छोड़ते हैं और यहाँ देखते हैं आगे जा रहे अगले पेज पे। सो वी नो दैट कि डेल्टा एल बाई एल हमारे लिए ये क्या होगा, स्ट्रेन होगा, दैट इज स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, स्ट्रेन होगा, और दिस कैन बी रिटेन एज दिस डेल्टा एल बाई एल जो कि स्ट्रेन है हमारे लिए, which is a strain, which is equal to what? Young modulus is equal to stress upon a strain. So this can be written as stress upon young modulus. Stress upon young modulus.
So delta L by L can be written as strain, and this can be written as stress upon young boulders. And this stress can be written as F upon A into, like this. We can write like this. So from here, delta L by delta L ki value kya hogi? This delta L comes out F upon F into, So ye delta L by L ho gaya hamare paas. This is what the point is. Ab ye jo data hai hamare paas, ki delta V ki value kya hogi? If you look at this, so I will write like this. Main ye jo result tha, is result ko thoda sa change karna chahunga. Aise likhunga. To maine bola iske cross section area ko aap A likh lijiye. Iske cross section area ko aap kya likh lijiye? A likhiye. और into L कर दीजिए और upon L कर दीजिए, फिर ये क्या हो गया? Delta L हो गया भाई. आपने delta V लिखना चाह रहे थे, तो delta V क्या हुआ? V into delta L by L, and this is 1 minus vice of sigma. So आपने ये A into L लिख दिया, इस वॉल्यूम को A into L लिख दिया, और यहाँ पे अगले स्टेप में आपने इसको A into L लिखा, और इसको क्या लिखा है? डेल्टा एल बाय एल कर दिया, और फिर क्या लिखा है? 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा कर दिया, समथिंग लाइक दिस. अब ये ए इनटू एल हमारे पास है, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में? सो दिस इज एफ अपॉन ए वाई. सो दिस इज यू टेक एज अ इक्वेशन 2, एंड दिस यू टेक एज अ इक्वेशन 1, राइट? और ये डेल्टा वी है. सो यूजिंग टू इन वन, इस दो को वन में इस्तेमाल कर लीजिए. तो अगर इस दो को वन में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई? तो एक तरफ तो ये आ गया ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, और डेल्टा एल बाई एल की जगह पे क्या लिखेंगे? दैट इज एफ अपॉन ए इंटू वाई. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट. सो दिस, और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ये आपने ए इंटू एल लिख लिया, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू लिख दी, और ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस ट्वाइस ऑफ सिग्मा, समथिंग लाइक दिस. सो दिस ए इज कैंसल्ड नाउ. So this comes out now, L into this is F upon young modulus, and this is 1 minus twice of sigma. So jo data hume de rakha tha, force de rakha tha, length de rakha tha, area cut gaya, young modulus humne le liya, sigma humne le liya, is tarike se ab isme values rakhenge, question solve kar denge. So what this values comes out? So L is 65 centimeter. So let's write in this 65 into 10 ka power minus 2. And this is 1000 newton tha hamare paas. So this is 1000, and this is 1.2 into 10 ka power 11, and this is 1 minus 2 into 0.34. So ye jo delta v aayega, ye kya aayega? Meter cube mein aayega, because everything you have written in this. So this is 65, ye dekho, this is 1, 2, 3, to yahan pe 650 aaye, ya 65 into 10 ka power 1 hai, aur ye 11 jo hai upar jayega, minus 11. और यहाँ ये देखो 11 और 2, दैट इज माइनस 13, और यहाँ 10 का पावर 3, यानी कि 10 का पावर माइनस 10 बच गया, और नीचे क्या आ गया? 1.2 आ गया, और ये 1 माइनस 0.68 आ गया. यस, सो दिस इज, ये आ गया 0.32, और दिस इज 65, और नीचे 1.2, एंड दे 10 का पावर माइनस 10 मीटर क्यूब. ये हमारा डेल्टा वी आ गया. सो दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू नाउ 65 into 0.32, and this is 1.2, 10 का पावर माइनस 2 माइनस 10, ये मीटर क्यूब है. और बताया गया आपको कि दिस इज मीटर क्यूब है. अब आपको क्या चाहिए? आपसे पूछा गया आंसर क्यूबिक मिलीमीटर. क्यूबिक मिलीमीटर मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, 1 सीसी इज 1 एमएल. तो हम लोग क्यूबिक मिलीलीटर में हमें आंसर निकालना है. यस, सो ये हमने मीटर क्यूब में निकाला. हमसे जो ये क्वेश्चन में बोला गया है क्यूबिक मिलीमीटर का आ गया, मैंने इसको गलत पढ़ लिया क्यूबिक मिलीलीटर. सो दैट वाज माय मिस्टेक. सो नाउ हियर दिस इज डेल्टा वी, इसको हमें क्यूबिक मिलीमीटर में करना है. तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो दिस इज 65 इंटू 0.32, 10 का पावर माइनस 10, नीचे 1.2 आ गया, और 1 मीटर क्यूब में, यानी कि अगर यहाँ सेंटीमीटर बनाना हो तो ये क्या आ जाएगा? 10 का पावर 2 आ जाएगा, और अगर 1 मिलीमीटर बनाना हो ये क्या आ जाएगा? 10 का पावर 3 आ जाएगा. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर. तो दिस इज 10 का पावर 3, एंड पावर क्या हो गया हमारे पास? 3, और ये क्या हो गया? मिलीमीटर का क्यूब आ गया. तो ये क्या बन गया हमारे पास? 10 का पावर 9 आ गया. नाउ 65 इंटू 0.32, एंड दिस इज 10 का पावर 9 है, दिस इज 10 का पावर माइनस 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया? 1.2 हो गया. ये हमारे पास मिलीमीटर का क्यूब.
So now this data is 6.5 into 0.32 upon 1.2, right? And this is millimeter cube. ये हमारे पास डिटेल होगी. अब इसको सॉल्व करना हमें. So this comes out now. 6.5 and 1.2 है. So this is 1.2 or this is, I'll take it like 5. 1.2 into 5, that is 6. And now 0.5 by 1.2, this is 5 plus 0.1.2 को हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया है, तो दिस विल बी 48. सो दिस इज 5.4 समथिंग. दिस इनटू 0.32 एंड दिस इज mm³. दिस इज व्हाट. अब ये हमारे पास 5.4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 0.32 से. ये मिलीमीटर क्यूब हो गया. अब ये मल्टीप्लिकेशन तो बच्चा लोग आप कर सकते हैं, ये आपके पास आंसर होगा. इस तरीके से अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जहां पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हाउ दिस रिजल्ट वी हैव यूज्ड, राइट, और इसको सॉल्व किया. आई होप यू हैव गॉट इट नाउ. सो आई विल टेक यू टू अनदर क्वेश्चन नाउ. एंड अनदर क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है. यस, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एंड दिस इज अ वेरी फेबुलस क्वेश्चन, राइट. आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन इससे बेसिस, इसके बेसिस पे करना भी है. लुक एट दिस हियर, व्हाट डू आई डू हियर. मैंने आपके लिए एक यहाँ पे yes, so what we have done is like, this is all very obvious to you, like we have made a diagram here. A wire of cross-section area A is stretched horizontally between two clamps located at L distance. यानी कि इन दोनों के बीच का जो distance है हमारे पास, इन दोनों के बीच का जो distance है वो हमारे लिए L है. This is L distance. और this L distance पे, और ये जो वायर है इसका cross-section area, यानी कि इसका cross-section area A है. A cross-section area इस वायर का. And W weight is subjected from the mid point of the wire. यहाँ से हमने weight लगाया था, और ये weight लगाने से, ये weight लगाने के वजह से ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर गया. इस वेट के वजह से ये हमारे लिए कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर गया. तो अब ये स्ट्रेचिंग जो हुई है इसमें, इसको हमने ऐसे डॉटेड करके दिखा दिया कि भाई ये वेट लगाया था, इस वेट के वजह से ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करता हुआ ऐसे आगे. यानी कि ये वायर, हम इस वायर के साथ ये वेट लगाया था, इस वेट की वजह से ये कुछ इस तरीके से तन के आ गया. So prove that the vertical distance x through which the midpoint of wire shifts down, यानी कि ये x निकालना हमें. We have to find this x. ये x हमें निकालना है. So we need to find this x. ये x निकालना है. Or we can say prove that the depression of the midpoint of wire x इतने के बराबर होगा. और ये हमारा w weight है इसका. Clear a point? So मतलब ये दो क्लैम्प्स हैं, इन क्लैम्प्स के साथ आपने एक तार को बड़ी आपने खूब देखा होगा इस तरीके से. घरों में हम लोग कपड़ा, भीगे हुए कपड़े को सुखाने के लिए हमने कहीं छत पे या कहीं पे बालकोनी में इस तरीके से वायर रखते हैं, और इस पे रोज कपड़ा हम लोग रख देते हैं. थोड़ी देर में ये क्या हो जाता है, सैग कर जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है वेट के वजह से. सो समथिंग लाइक दिस वी आर ट्राइंग टू से दैट. या सपोज करो कि ये तार बिल्कुल टाइटली बंधी हुई है, और आप यहाँ बीच में इस तार को पकड़ के लटक जाए, तो ये तार थोड़ा सा क्या होगा, इस तरीके से सैग कर जाएगा. तो आप यहाँ से पकड़ के लटके हैं, तो इतना सेपरेशन हुआ. मिड पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वेट रख करके. कहीं और रख करके पूछा जाएगा तो इसका मैथमेटिकल जो सिचुएशन बनेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो ये मिड पॉइंट पे इसलिए रख के पूछा जाता है कि ताकि आप इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें. कहीं और भी रख के पूछा जा सकता है, बट वो थोड़ा मैथमेटिकली कंबरसम हो जाएगा. तो ये मिड पॉइंट पे रख के पूछने का मतलब कि आपके मैथमेटिकल कंबरसम को रिड्यूस करना है, और तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो नाउ, और ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, बहुत आसानी से हर जगह क्वेश्चन कर पाएंगे. ये वेट मतलब जो मास लगाया है, उस मास का जो वेट है, दैट इज mg. आई होप यू गॉट इट नाउ. अब हमें ये सॉल्व करके दिखाना है कि ये कितने के बराबर होगा.
लेट सपोज पहले जब हमने इसको टाइटली किया था तो इसमें जो भी टेंशन था उस टेंशन को हमने इग्नोर कर दिया। अब हमने इसको वेट लगा दिया, लेट सपोज हमने वायर को अनस्ट्रेच्ड, ये उसकी लेंथ थी, उसमें कोई खास टेंशन नहीं था, मतलब आप जो वायर का लेंथ था वो ओरिजिनल लेंथ को आपने टाइट कर दिया था यहाँ पे, और उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं था, वो जो टेंशन था हमने उसको इग्नोर कर दिया। इस वेट को डालने के बाद उस वेट की वजह से इसमें टेंशन बढ़ता गया और बढ़ बढ़ करके यहाँ पे अब टेंशन टी डेवलप हो गया इस वायर में, इस वायर में एक ही वायर है, इसमें टेंशन टी, इनसे टेंशन टी डेवलप हो गया। हम ये कहते हैं कि ये जो वायर है, ये जो वायर है अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल, ऐसे हम ये थीटा यहाँ भी ले सकते हैं, ये थीटा यहाँ भी ले सकते हैं। अगर हमने इसको अल्फा लिया, इसको हमने थीटा ले लिया, ऐसे कर दिया, ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा एंगल ऐसे झुक गया, यानी कि ये अल्फा एंगल ऐसे झुक गया, इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो जो ये टी है हमारा, यानी कि इसमें टेंशन टी टी, अच्छा इधर से भी टेंशन टी दिखाना पड़ेगा, इधर से भी टेंशन टी दिखाना पड़ेगा, ये दिखा दिया हमने। अब अगर ये वायर ऐसे हैंग हुआ पड़ा हुआ है, इसके लेंथ में, यानी कि इसका स्टार्टिंग लेंथ कितना था एल, ये कितना नीचे आ गया एक्स, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एल से बड़ा होगा। सो दिस लेंथ इज एल डैश और दिस लेंथ इज एल डैश, ये एल डैश लेंथ हो गया, तो एल डैश की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज दिस एल डैश, एल डैश इज नाउ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर ये एल है, सॉरी देखो ये गलत हो गया, तो ये क्या होगा, एल बाई टू होगा, इफ दिस इज एल देन दिस विल बी एल बाई टू, तो एल बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर बाई फोर, और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर। आई होप नाउ यू गॉट इट नाउ। सो दिस इज, इफ दिस इज एल, दिस इज एल बाई टू, सो एल बाई टू का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर बाई फोर प्लस ये हमारा एल डैश होगा। सो टोटल ये लेंथ कितना हो गया, हाउ मच दिस टोटल लेंथ इज टू एल डैश, टू एल डैश इज हमारा स्ट्रेच लेंथ हो गया, ये क्या हो गया स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड लेंथ हो गया। देखो ये दिस इज स्ट्रेच्ड लेंथ, सो स्ट्रेच्ड लेंथ हमारा 2L डैश हो गया। और इस स्टार्टिंग में अच्छा इसको L डैश बाय 2 कहना चाहेंगे हम लोग, इसको L डैश बाय 2 करना चाहेंगे, तो ये L डैश बाय 2 है, और अब इसको हम यहाँ से 2 हटा देंगे, हम कहेंगे ये हमारे लिए क्या हो गया स्ट्रेच लेंथ हो गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। L डैश बाय 2, L डैश बाय 2, L डैश बाय 2 की वैल्यू ये हो गई, और ये एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और L डैश इज हमारा स्ट्रेच लेंथ है, एंड दैट इज L डैश बाई 2 का ट्वाइस है, ये हमने मान लिया। हमको ये x निकालना है, दैट्स ओके। बट अगर आपसे स्ट्रेस पूछा जाए यहाँ पे लाइक, और स्ट्रेन पूछा जाए, तो यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेन हियर, यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होगा हमारे पास, मैंने बोला स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होगा हमारा L डैश माइनस L, L डैश टोटल लेंथ और माइनस दिस, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। सो एल डैश की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक ये एल डैश बाई टू है हमारा, सो एल डैश की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ एल डैश बाई टू दिस और माइनस एल, ये हमारे लिए क्या है स्ट्रेन है, एल डैश माइनस एल की वैल्यू होगी, ओके। और इसमें टेंशन कितना है, टी है, तो इसमें टेंशन टी है, तो यहाँ टेंशन टी है, तो ये टी जो होगा इसमें डेवलप हुआ टेंशन, इस टेंशन को और इस टेंशन का ये जो कंपोनेंट होगा, इधर टी कॉस थीटा, इधर भी टी कॉस थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा आएगा, फिर इसका भी एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा और फिर टी कॉस थीटा, यानी कि दो टी कॉस थीटा, इस टी का भी, इस टी का भी टी कॉस थीटा, और इधर टी साइन थीटा और इधर टी साइन थीटा आएगा, यानी कि यहाँ पे जो टी साइन थीटा होगा और ये जो टी साइन थीटा होगा, यस, तो ये टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा, और ये वेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, राइट दिस, या एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, टू टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, और टी साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ऐसे लिख दिया आपने, टी साइन थीटा इज टी साइन थीटा। सो नाउ दिस इंप्लाइज इज व्हाट, अगर इस लाइन से देखे तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, w अपॉन 2 cos थीटा, ये आपको इसके अंदर का टेंशन मिल गया, इस वायर में जो टेंशन होगा इस स्ट्रेच के बाद, सो दिस t इज इक्वल टू w अपॉन cos थीटा।
तो आपके पास टी की वैल्यू आ गई, दैट टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन कॉस थीटा आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेस कितना होगा, हाउ मच स्ट्रेस इज देयर, तो स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस कितना होगा भाई, ये जो टेंशन है ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा होगा, तो ये पी बाई ए करेंगे आप, तो ये आपके पास डब्ल्यू बाई ए एंड दिस इज टू कॉस थीटा, डब्ल्यू बाई टू कॉस थीटा बाई ये आपका स्ट्रेस हो गया। तो इस वायर में स्ट्रेस कितना है वो आपने निकाल लिया, इस वायर का स्ट्रेन कितना है आपने वो भी निकाल दिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों मालूम है। अब यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। सो यंग मॉडुलस और स्ट्रेस को हमने लिख दिया डब्ल्यू अपॉन दिस इज टू ए कॉस थीटा, और स्ट्रेन के जगह पे हम ये जो हमारे पास डाटा है दैट डाटा विल बी राइटिंग, ओके। लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना, वी हैव टू फाइंड हियर दिस पर्टिकुलर एक्स वी हैव टू फाइंड। तो ऐसा करने के लिए राइट ऐसा करने के लिए यहाँ पे अभी फिर से स्ट्रेन लिख देते हैं, ये स्ट्रेन लिख देते हैं, एरिया हमें पूरे तरीके से यूज करना है। नाउ दिस डब्ल्यू अपॉन टू ए कॉस थीटा इनटू स्ट्रेन, ये हमारे पास यंग मॉडुलस का ये रिजल्ट हमने अभी यहाँ तक लिख लिया। जो स्ट्रेन हमारे पास एल डैस माइनस एल इज इक्वल टू दिस, इस स्ट्रेन के बारे में सोचते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी राइट इट इन अ मच बेटर वे। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज एंड सी व्हाट वी हैव, हाउ वी आर डूइंग इट। देखो हम लोगों से एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो रही है कि स्ट्रेन की बात करें तो हम लोग एल डैश माइनस एल अपॉन यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ पे लिखना था। सो ये जो पूरा रिजल्ट लिखा हुआ हमने दिस यहाँ पे ऐसे करते हैं वन बाई एल और यहाँ एक ब्रैकेट यूज कर देते हैं दिस, आई होप यू गॉट माई पॉइंट नाउ। This is a strain is change in length upon this. तो ये क्या हो गया, वन बाई एल लिख लिया और एल डैश माइनस एल की वैल्यू, ताकि ये एल डैश है, दिस इज एल डैश टू, तो एल डैश बाई टू, तो एल डैश बाई टू की वैल्यू जितनी होती है उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया एल डैश माइनस एल और अपॉन एल कर दिया, ये स्ट्रेन है हमारे पास। यहाँ पे हमने यंग मॉडुलस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू ए कॉस थीटा इनटू स्ट्रेन रख लिया। अब अगर हम इस और हमें एक्स के फॉर्म में रिजल्ट निकालना, एक्स निकालना हमें कुछ इस तरीके से। नाउ फर्स्टली स्ट्रेन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं और इस कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास गेम क्या है। सो स्ट्रेन हमारे पास है, जो स्ट्रेन है हमारे पास, तो स्ट्रेन क्या है हमारे पास, दैट स्ट्रेन इज, एक मिनट, that strain is now, yeah. So this strain is equal to now, we have, this is, yeah, twice of under root of L square by 4 plus X square minus this L divided by L. ये हमारे पास strain है. So this is equal to now, this is twice of this L under root of L square by 4 plus X square, we write like this, minus 1. We can write like this. Now, अगर हम इस result को देखें, so this is twice of L, और ये जो L by 2 है, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. Let's suppose here, so let's see here, we write this is L by 2 का whole square and plus X square, or minus 1. माइनस वन, दिस इज माइनस वन, ये वन थोड़ा यहां से दूर कर देते हैं, सो दिस इज माइनस वन। नाउ दिस रिजल्ट कैन बी, अब यहां से ये टू बाई एल रखते हैं, बस इस पे डॉक्टरी करनी है हमें, यहां से इन इस पूरे में से एल बाई टू कॉमन कर लेते हैं, एल बाई टू कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, वन एल बाई टू, L by 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 plus X upon L by 2, something like this, इसका स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, can we write like this, right, we can write like this, I hope, this minus 1, 2 by L तो ही, यहां से L by 2 का होल स्क्वायर कॉमन करके ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज है ये, that's, okay, अब देखो यहां पे, इस L by 2 का जो ये होल स्क्वायर है,
एल बाई टू का जो होल स्क्वायर है इसको अगर हम बाहर निकालेंगे, ये एल स्क्वायर बाई फोर है, ये एल स्क्वायर बाई फोर बाहर निकलेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या है, वन प्लस एक्स अपॉन एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन समथिंग लाइक दिस। और जो इसका एल था स्ट्रेंथ था ये, इस एल से ये कट गया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास स्ट्रेंथ का। अब यहां से ये सब कुछ गायब है, ये एल बाई टू बाहर निकला, ये टू टू से कट गया, ये एल एल से कट गया, ये रिजल्ट आया। अब ये वन प्लस एक्स एल बाई टू, एक्स वन प्लस एक्स अपॉन एल बाई टू का होल स्क्वायर है, ये एल बाई टू है। जरा गौर करें आप, इसको बाइनोमियल यूज करें तो वन प्लस यू कैन राइट एक्स अपॉन एल बाई टू का होल स्क्वायर एंड दिस होल का पावर वन बाई टू लिखिए, माइनस वन करिए, वी कैन डू इट लाइक दिस, वन प्लस एक्स अपॉन एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर एल बाई टू का, यस सो इनमें से एल बाई टू का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया, सो दिस इज एक्स, दैट्स वेरी राइट, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है और रूट सबके ऊपर है, सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब एक्स जो हमारे पास ये होगा, दिस एक्स और ये जो एल बाई टू है, दिस एक्स विल बी वेरी मच स्मॉल इन कंपेरिजन टू एल बाई टू। तो ये जो लाइक है ना कि एक्स विल बी वेरी मच स्मॉल एल बाई टू से, देयरफॉर एक्स अपॉन एल बाई टू और टू एक्स बाई एल विल बी मच लेस देन वन। अब अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पे बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, सो दिस विल बी वन प्लस वन बाई टू एंड दिस इज नाउ एक्स और इसका टू ऊपर चला गया लाइक दिस अपॉन एल और इसका स्क्वायर रख लिया और माइनस वन कर दिया, ये वन इस वन से कैंसिल हो गया और ये आया कि हमारे पास वन बाई टू और ये टू एक्स का स्क्वायर है, सो दिस इज फोर एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ गया एल स्क्वायर, सो बाय ये फोर टू कट के तो ये रिजल्ट हमारे पास आया टू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारे लिए स्ट्रेन बन गया। सो टू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज आवर स्ट्रेन, सॉल्व करके हमने ऐसे लिख लिया। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या बनेगा इस ट्रायंगल में, इफ यू टेक दिस एज अ थीटा, इफ यू टेक दिस एज अ थीटा, अगर ये थीटा लोगे तो ये क्या बनेगा एक्स और कॉस थीटा निकालना, ये थीटा है, ये एक्स बेस होगा और हाइपोटेनस क्या बनेगा, ये बनेगा, सो दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स और हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का मतलब दैट इज एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ये जो रिजल्ट निकाला था एल डैश बाय टू, एल डैश बाय टू एल स्क्वायर बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर, सो इफ यू राइट लाइक दिस, यानी कि फिर अगले स्टेप में इसको एक्स, इसको आप एल बाय टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, नाउ इन दैट सेंस दिस इज एक्स, और ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसमें से this particular result what we have, we can take l by 2 whole square or fir isko andar mein likh diya 1 plus x upon l by 2 ka whole square like this aur is pure ka root bana ke aise likh diya, and now next step mein hum log isko x rehne diya aur ye bahar nikal ke humne likha l by 2 kar diya aur fir ek tarike se is result ko 1 upon 1 प्लस एक्स अपॉन एल बाई टू ऐसे होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपने बाहर निकाल दी, रूट से बाहर निकाल दी और ये रूट के अंदर ऐसे रख दिया, सो नाउ दिस इज एक्स अपॉन एल बाई टू ऐसे रहने दिया और दिस इज 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप बाइनोमियल यूज करेंगे, सो 1 प्लस यू नो आई मीन 1 बाई टू और फिर ये क्या एक्स अपॉन एल बाई टू, we can write like this, ye use karke yahan pe aise likh diya, we can write like this, or now in next step this is x upon l by 2 aur ye pura result aap upar leke chale jao, you can do it like this minus 1 karke, ya aap ab aap isko solve kare to ye aap dekhenge this is x upon l by 2 aur ye jo result aaya ye 2 se kat jayega, yani ki ye x by l aayega, so now next step mein what we can do, this is 1 upon, yahi pe solve kar sakte hain isko, this is 1 plus
और 1/2 एंड दिस इज 2x/l कुछ इस तरीके से आ गया। और इन अगले स्टेप में x/l/2 ऐसे कर दो इसको, और यहाँ पे दिस 1/, इफ यू लुक एट दिस, 2 कट गया, ये क्या आ गया 1+x/l आ गया। सो यू नो दिस x इज वेरी मच लेस देन, यहाँ पे x इज वेरी मच लेस देन l, तो ये एक यहाँ से x/l को अब क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। सो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बना, यानी दिस कैन बी रिटन एज x/l/2 सिंस x/l इज वेरी मच लेस देन 1, हटा दिया तो ये रिजल्ट आ गया, यानी कि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई x/l/2, वी कैन राइट, यानी कि थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो इसको हम 2x/l लिख दिया, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, दैट इज 2x/l। सो cos थीटा भी हमने निकाल लिया और स्ट्रेन की वैल्यू भी निकाल ली 2x/l2। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, स्ट्रेन भी है, यंग मॉडुलस भी है, तो ये रिजल्ट आया क्या हमारे पास, नाउ वी कैन से दिस यंग मॉडुलस इज इक्वल टू w अपॉन 2a cos थीटा, सो दैट इज 2a cos थीटा की वैल्यू लिख ली 2x/l, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या लिख ली 2x²/l² That's what we have done it. 2x²/l², that's what we have got it here. So now this is our, अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये क्या बना, this is 2, 4 and 2, 8, this is 2, 4 and 2, 8, so this is w and 2, 4, 8, this is 8 and this is what, a, so this is 2, 4, 8, a, x³, and now this is l² or l, यानी कि ये आगे l³. What we have got is this. Young modulus is equal to this. So now from here, x³ is equal to what we have got. x³ is equal to w³/8a young modulus. Now this implies, अब अगर आप यहाँ से x निकालना चाहोगे, if you want to find here x, तो क्या होगा? Young modulus into this a, this ka power 1/3, so ki w ka power 1/3, a ka power 1/3, this l ka to kya ho gaya hamare paas, l bahar aa gaya, aur 8 ka power kya ho gaya, 2 aa gaya, so this x is equal to what we have got is l/2 young modulus upon a young modulus upon area into young modulus ka power 1/3. If you look at this result, This is your L. ये अगर मैंने 1/2 पढ़ा तो गलत पढ़ा है. So this x is equal to what we have got l by two. इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, वरना ये गड़बड़ हो जाए. तो जो ये रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम लोग l/2 W अपॉन एरिया यंग मॉडुलस होल का पावर 1/3, तो ये रिजल्ट आपने यहाँ पे एक तरीके से प्रूव कर दिया, दिस इज व्हाट यू हैड टू प्रूव, और ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट कि जब भी हमें इस तरीके का सवाल मिले तो कैसे यहाँ पे ये बायोमीय लगाया गया है बहुत चतुराई के साथ और रिजल्ट को सुलझाया गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फंस जाएंगे आप, और इस रिजल्ट को हम लोग ये l/2 वेट अपॉन एरिया यंग मॉडुलस होल पावर 1/3 है, ये हमारे पास डिप्रेशन का फॉर्मूला है। तो इस रिजल्ट को हमने डिराइव कर दिया, इस रिजल्ट को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर वाज, दिस इज 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डन, एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The rubber cord of catapult. Gulela aapne dekha hoga. Catapult has a cross-section area of 1 mm² and total unstretched length is 10 cm. It is stretched to 12 cm and then released to project a missile or a stone of mass 5 g. Find velocity of projection if young modulus is this much. Yani ki aap gulel mein aapne dekha hoga na ki jab कोई स्टोन रख करके और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 10 cm था, उसको 2 cm स्ट्रेच कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। आपने जो खींचा, आपने उसको स्ट्रेच किया, तो आपकी आपने वर्क किया, आपकी एनर्जी उसमें स्टोर हो गई।
और जैसे आपने छोड़ा तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या हो जाती है, वो स्टोन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है और वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और वहां से हम उस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। सो हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है ना कि एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है। तो आपको सबसे पहले जो याद होना चाहिए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। लेकिन इसके दूसरे फॉर्मेट भी आपको याद होने चाहिए, दिस इज 1/2, ठीक है, स्ट्रेन के फॉर्म में चाहते हैं। तो ये क्या है आपके पास, ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, और यंग मॉडुलस दे रखा है। तो इस स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस इंटू, लाइक आपको ये याद, या वी वांट टू राइट इन, सो ये स्ट्रेस है, तो इस स्ट्रेस को क्या लिख दिया, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन को लिख दिया डेल्टा एल बाय एल, और इंटू वॉल्यूम कर दिया, समथिंग लाइक दिस। सो देखो ये एक और फॉर्मूला, इस फॉर्मेट में भी आप याद रखें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ए और एल ये दोनों वॉल्यूम हो गए, तो इस वॉल्यूम से कट गया, एफ इंटू डेल्टा एल आ गया। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये फोर्स इंटू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा एल, और इस तरीके से भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला क्या, 1/2, और एफ क्या है हमारा लोड, यानी कि जो फोर्स लगाया आपने, और डेल्टा एल क्या हुआ, जो एलोंगेशन हुआ। तो बहुत लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा एल, कुछ लोग एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला भी याद करते हैं। और बाकी जो डिफरेंट फॉर्मेट है, स्ट्रेस को स्ट्रेन, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू लाइक यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में, तो अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो नाउ हियर इन दिस सिचुएशन, कि आपने हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा एल आपके पास होता है, ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो आप इस केस में जो द रबर कॉर्ड ऑफ अ कैटापल्ट हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस मच, तो आपको तो स्ट्रेन दे रखा है ना, यानी कि ये फॉर्मूला तो हम लोगों को याद ही है। अब अगर हमने इसको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, लाइक इफ यू वांट टू कैलकुलेट, यानी कि हमें स्ट्रेन के फॉर्म में, लाइक जस्ट फॉर अ व्हाइल, सो नाउ इन दिस, ये जो रिजल्ट अभी हमें लोड तो पता नहीं है कि क्या है भाई, यानी कि दिस एफ वी डोंट नो व्हाट इज दिस एफ हियर। तो अब हम क्या करेंगे, तो बड़ी यंग मॉडुलस हमें दे रखा है। नाउ दिस यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट, ओके, एंड दिस इज एफ बाय ए, एंड दिस इज स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल इनटू दिस एल। तो अगर आप इसको स्ट्रेन ही लिखते हैं, इफ यू राइट दिस स्ट्रेन हियर, यानी कि यू राइट हियर एफ अपॉन ए इनटू दिस स्ट्रेन, सो दिस फ्रॉम हियर एफ कैन बी रिटन एज, दिस एफ कैन बी रिटन एज यंग मॉडुलस इनटू दिस ए इनटू स्ट्रेन। आप ये लिख दो ये रिजल्ट को। अब इस F को अगर आपने यहाँ पे डाल दिया इस लोड समझ करके, तो आपके पास ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, दिस एनर्जी स्टोर्ड इज नाउ 1/2 लोड, क्योंकि एरिया आपको दे रखा है, लेंथ दे रखा है, तो आप सीधा सीधा रिजल्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर वॉल्यूम लगा करके स्ट्रेस, आई मीन यंग मॉडुलस हाफ, लाइक स्ट्रेस को यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन कर देते, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते थे, बट ऐसे करने से ये थोड़ा हमारे लिए आसान हो गया। सो दिस इज 1/2 एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, 1/2 लोड के जगह पे हमने लिखा यंग मॉडुलस इनटू दिस एरिया इनटू दिस स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेन, और यस दिस इनटू स्ट्रेन और इनटू डेल्टा एल, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर, ओके। सो नाउ 1/2 यंग मॉडुलस इज 5×10^8, दिस एरिया इज 1 mm² 1 mm², सो ये मिलीमीटर है, यानी कि मीटर में लिखे तो 10^-3 है, -3 का स्क्वायर, यानी कि 10^-6, यानी कि दिस इज 10^-6 m², एंड दिस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की बात करें तो हमारे पास 12 cm स्ट्रेच किया, 10 था, तो यानी कि 2/10 दिस, और डेल्टा एल इज 2, ऐसे लिख लिया, दैट्स व्हाट वी हैव डन इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो नाउ दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, एंड इस एनर्जी को हम लोग किसे इक्वेट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से। सो नाउ दिस इज 1/2, मास कितना है, 5 g है, सो 5×10^-3 दिस, और इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2×5। अब ये दोनों सॉल्व होकर के कितना आ गया भाई, 10^2 आ गया, और
टू टू फोर हो गया एंड ऑन टेन हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये हाफ इस हाफ से कैंसिल, और या 5 ग्राम था और ये भी 5 था, तो ये 5 भी कैंसिल इससे हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 10 का पावर -3, और ये 10 आप यहाँ लेके आओ, ये वाला 10 इधर लेके आ जाओ, यहाँ 10 कर दिया, दिस इंटू वी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा हमारे पास 4 × 10 स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी हैव गॉट इट। सो इफ यू लुक एट दिस हियर, 1/2, 5 × 10 का पावर 10, दिस 10 का पावर 10, 2 × 4, 4/10, ये 10, यहाँ हाफ 5 किलोग्राम, 5 ग्राम था, 100 किलोग्राम किया, वी स्क्वायर, ये 10 मैंने यहाँ ले गया, 10 का पावर -3 और 10 और दिस वी स्क्वायर लाइक दिस, तो ये क्या बन गया, ये भी 10 का पावर 2 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सो दिस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो दिस वी इज इक्वल टू व्हाट नाउ, वी हैव गॉट दिस वी इज इक्वल टू 2 m/s, सो दिस वी इज इक्वल टू 200 cm/s, और 2 m/s इज आवर आंसर, दैट्स व्हाट वी हैव गॉट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ गई, राइट। एक बार चेक कर लेना चाहिए हम लोगों का एरिया, 1 mm² 10 का पावर -3, दैट इज 10 का पावर -6 m², स्ट्रेंथ था 2 cm/10 cm, 12 - 10, ये तो ठीक हो गया, और डेल्टा एल, अच्छा यहाँ पे देखो एक गड़बड़ी, तो ये जो डेल्टा एल लिखा 2 cm, तो यहाँ पे 10 का पावर -2 आएगा, यहाँ पे एक 10 का पावर -2 आएगा, यहाँ पे 10 का पावर -2 आएगा, सो दिस इज 4 × 10 का पावर -2 आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे एरर था, सो अच्छा हुआ कि ये पकड़ में आ गया, राइट, ओके। सो नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी हैव गॉट इट, 4 × 10 का पावर -2 मीटर में, सो दिस वी इज इक्वल टू नाउ 2 × 10 का पावर -1 m/s, सो दिस इज 20 cm/s हमारी वेलोसिटी है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सो एनर्जी स्टोर्ड को हम लोगों ने कैसे यूज किया ये भी देख लिया आपने, ये सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम एक अलग ही दुनिया में चल सकते हैं, वी कैन लुक फॉर सम अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तो आपको मैं वो कॉन्सेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ मैं, सो लेट्स लुक फॉर दैट। सो आई सेड दैट कि अब हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ बीम, सो वॉट इज दिस बेंडिंग ऑफ बीम, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हमारी दीवारें होती हैं लाइक, और जब हम लोग उसके ऊपर छत बनाते हैं तो उसके ऊपर लाइक लोहे की सरिये के इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसमें बीम बनाते हैं, और फिर उस बीम को रखने के बाद दीवारों में प्रॉपर तरीके से रखने के बाद उसके ऊपर लेंटर डाला जाता है, उसके ऊपर छत डाली जाती है, सो बीम जिसके ऊपर फर्दर वेट रखा जाता है, या कोई ब्रिज बनाया गया आपने देखा होगा, तो उस ब्रिज पे जो आपने देखा होगा कि एक ऐसे पिलर लग दिया, ये पिलर रख दिया, और उस पिलर के ऊपर ये एक और बड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर उठा के रख दिया गया, और उसके ऊपर से बॉडी ट्रेवल करती है, जैसे जो आपने देखा होगा ओवरहेड ब्रिजेस बनते हैं, सो इन दैट सिचुएशन लाइक बीम एक स्ट्रक्चर है, वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है, जिसके ऊपर हैवी वेट रखा जाता है या जिसके ऊपर लेंटर डाली जाती है, सो दैट इज कॉल्ड बीम, राइट। तो सपोज कर लो कि हम एक बीम की बात कर रहे हैं जिसको मतलब कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर यूजिंग मटेरियल लाइक आयरन जो भी है जिसका भी हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उस बीम को हमने किसी सपोर्ट पे रख दिया, यानी कि अ स्ट्रक्चर विच इज केप्ट ऑन एंड सपोर्ट, यानी कि वी कैन से दैट अ स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन kept at supports at its ends, मतलब a structure of rectangular or circular cross section kept at support at its ends, ends पे रख के support बन के उसके ऊपर जब रखा जाता है तो that is called bend, I mean beam कहलाता है, beam की बात कर रहे हैं, beam क्या होता है, so we define here beam,
आई शुड से यहाँ पे हम लोग पहले इस चीज को हटाएं यहाँ से. बीम क्या होता है? बीम इज लाइक दिस, ठीक है जी, ये बीम कहलाएगा. सो अ स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन केप्ड एट सपोर्ट्स एट इट्स एंड्स लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड बीम. अब जैसे मैंने ये बीम बना रखा है, अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, तो समथिंग लाइक दैट. तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले को आप ऐसे समझ लीजिए, समथिंग लाइक दिस, कि इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी डेप्थ है. तो जब किसी एंड सपोर्ट्स पे हम इस तरीके के बीम रखते हैं, तो उस बीम का जो सेंट्रल पॉइंट है लाइक दिस वन, और ये सेंट्रल पॉइंट और ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि बीम पे ऑब्वियसली इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, या ये अपने वेट की वजह से, ये बीम जो कि अपने ही वेट की वजह से कुछ दिनों बाद थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर जाता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा. ये जो है इसको डिप्रेशन कहते हैं हम लोग. तो डिप्रेशन इन बीम की बात करें अगर, डिप्रेशन इन बीम, तो बीम का जो डिप्रेशन है हमारा, इसी को हम लोग बेंडिंग ऑफ बीम कहते हैं. लाइक दिस इज बेंडिंग ऑफ बीम की बात हो रही, बेंडिंग ऑफ बीम. तो आपको इन इंफॉर्मेशन को सिर्फ याद रखना है, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पे जाकर के इनके डेरिवेशन वगैरह आपको सिखाए जाएंगे. एंड आपने नोटिस किया कि हम लोगों ने अपने इस पूरे सिलेबस में स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कम करने को मिलते हैं. जब आप इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं, वहां पे जाकर के आपको बड़े सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो शेयरिंग स्ट्रेस से ही डील हो रहे होते हैं. सो एनीवे, डिप्रेशन इन बीम या बेंडिंग ऑफ बीम की बात करें, तो ये जो डेल्टा है, दिस डेल्टा इज कॉल्ड डिप्रेशन, एंड दिस डेल्टा इज गिवन बाय वेट इनटू लेंथ का पावर क्यू. ये जो लेंथ का पावर क्यू है, अपॉन 48 इनटू यंग मॉडुलस इनटू आई. This is given for depression. But ये किसके लिए? ये formula किसके लिए? For rectangular beam. For rectangular. एक मिनट बेटा. Just a minute. This is our depression in beam. ये हमारे लिए डिप्रेशन इन बीम, बीम का फॉर्मूला है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये हमारे पास डिप्रेशन इन बीम का फॉर्मूला है, वेट लेंथ का पावर क्यू अपॉन 48 यंग मॉडुलस इनटू आई. दिस इज डिप्रेशन इन बीम का फॉर्मूला, वेयर आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अब वो बीम, चाहे वो सर्कुलर स्ट्रक्चर का हो या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो, या आई शुड से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का हो, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इस्तेमाल होता है. ये डिप्रेशन बीम का फॉर्मूला है. दिस फॉर्मूला इज फॉर डिप्रेशन इन बीम. तो हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला रखा है और यहाँ पे बता दिया कि ये आई क्या हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ये ध्यान रखना होगा. अब हमने बोला कि अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा लाइक दिस, तो इसमें आई के जगह पे पाई आर स्क्वायर बाई फोर लिख देंगे. और अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होगा लाइक दिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? B this width or D that is depth BD cube by 12. अगर इस rectangular cross section की ये value को उठा करके हम इस I में डाल दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? Delta WL cube 48 यंग मॉडुलस BD cube by 12. इसको काटोगे तो ये result क्या होगा? WL cube upon 4 यंग मॉडुलस BD cube. ये formula आपको आपके NCERT की book में दे रखी है वो rectangular. So ये result का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है. आपके बुक में थोड़ा सा लिखा हो कि आप थोड़ा कैलकुलस इस्तेमाल करके और थोड़ा ऐसे इंफॉर्मेशन लगा के इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, बट वो इतना आसान नहीं है. तो इसकी हमें ज़रूरत, हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो इस रिजल्ट का ध्यान रखते हुए मैंने आपको बात बता दी है, हमें इसके डेरिवेशन की कतई ज़रूरत नहीं है. सो वी हैव रिमूव्ड इट. तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर के लिए हो गया. सर्कुलर के लिए करेंगे तो इस आई को उठा के आप यहाँ रख देंगे. तो ये हमारा बेंडिंग ऑफ बीम या डिप्रेशन इन बीम का फॉर्मूला है. इसको इस्तेमाल करेंगे. आपके बुक में एक क्वेश्चन है जो सीधा सीधा डिप्रेशन के लेकर के होगा, आप उसमें डाटा डाल दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा. नाउ हियर एक टर्म होता है कैंटिलीवर. व्हाट इज दिस कैंटिलीवर? कैंटिलीवर ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस कैंटिलीवर? अगर हम कैंटिलीवर की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया. सपोज कर लो ये रिजिड सपोर्ट है, इस तरीके से कोई आपने स्ट्रक्चर लगा दिया होगा. आपने पेड़
जैसे सपोज करो ये पेड़ है, इस पेड़ के साथ एक ब्रांच है, इस ब्रांच के किनारे पे आप ऐसे पकड़ के झूलते हैं तो ये ऐसे लटक जाता है कि नहीं लटक जाता है ना? सो दिस इज वॉकिंग लाइक अ लेबर, राइट? तो कैंटिलीवर का मतलब एक ऐसा बीम जिसका एक किनारा फिक्स है और दूसरा किनारा पे हम वेट रख सकते हैं. वी कैन पुट सम वेट हियर, हम यहाँ वेट लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं या वेट लगा सकते हैं, तो उसके वजह से ये शिफ्ट हो जाता है. दिस इज डेल्टा. तो अगर कैंटिलीवर का मतलब जिसके वन एंड को रिजिड किया गया, वन एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे हम क्या कर सकते हैं, वेट रख करके उसको डिप्रेस कर सकते हैं, लाइक अ बीम व्हिच वन एंड इज फिक्स्ड एंड फिक्स्ड और फिक्स्ड और हाँ या फिक्स्ड अ बीम बीम व्हिच हैज वन फिक्स्ड एंड, वन फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड, बिल्कुल फिक्स्ड है, राइट, समथिंग लाइक दिस. और दूसरे पे हम लोग इस तरीके से वेट लगा सकते हैं. इस केस में हमारे पास ये डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है. यहाँ पे आई अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये कैंटिलीवर है. यहाँ पे जो डिप्रेशन का फॉर्मूला है वो इस जगह के लिए दिया गया है, एल लेंथ पे. इफ यू लुक एट अलग अलग जगह पे, इफ यू लुक एट दिस अलग अलग जगह पे, यहाँ पे डिप्रेशन कुछ और होगा, ये साइज ठीक नहीं है, या आई से दैट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डिप्रेशन कुछ और होगा, यहाँ देखेंगे तो डिप्रेशन यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ देखेंगे तो डिप्रेशन कुछ और आएगा, यहाँ देखेंगे तो डिप्रेशन कुछ और आएगा, यहाँ देखेंगे तो डिप्रेशन कुछ और आएगा. सो दिस फॉर्मूला इज फॉर दिस डिप्रेशन, डिप्रेशन एट एंड के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, डिप्रेशन एट फ्री एंड, डिप्रेशन, डिप्रेशन एट एंड, एंड डिप्रेशन एट एंड वेयर लोड इज अटैच, लोड इज प्लेस्ड. तो ये उस जगह के लिए हमने ये डिप्रेशन लिखा हुआ. सो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना होगा और इन रिजल्ट्स के ऊपर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. नाउ देयर इज अनदर पार्ट दैट इज ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट. सो सी, सपोज कर लो आपने इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट से आपने इस तरीके का कोई रॉड या कोई एक मटेरियल जो है रबड़ का, लेट सपोज एक बहुत मोटा सा रबड़ का कुछ है, रबड़ का सिलिंड्रिकल रॉड है, और आप उसके एक एंड को किसी को पकड़ा दीजिए और आप दूसरे एंड को पकड़ के ट्विस्ट करिए कुछ इस तरीके से. इफ यू ट्विस्ट तो हालत क्या होगा, आपने देखा होगा ना, ये रबर यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्रेस होगा और यहाँ भी ऐसे ट्विस्ट होगा. यू गॉट माई पॉइंट? यानी कि रबर का थोड़ा सा थिक रबर का एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लीजिए और एक एंड किसी को पकड़ के बोलिए कि फिक्स रखे और दूसरे एंड से आप पकड़ के उसको क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट. यस, ये चीज चीज पढ़ रहे हैं आप, आपको मैंने रबड़ का ये एग्जाम्पल दिया, बट आप जब जाएंगे ना इंजीनियरिंग करेंगे तो बड़े सारे शाफ्ट होते हैं और अलग अलग तरीके का, तो यू विल होल लॉट ऑफ थिंग. ये बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें आपको रटाई जा रही है एक तरीके से. आगे जाके आपको इसका बहुत ही भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ वंस यू आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट, स्पेशली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने पे आपको ये बहुत सारे, या इंस्ट्रूमेंटेशन और मेनी इंजीनियरिंग कोर्सेस में आपको ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा. तो ट्विस्टिंग और शाफ्ट में क्या हुआ कि सपोज कर लो ये रबर वाली रॉड का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, एक बंदा इसको ऐसे घुमाता है इस तरीके से, इस किनारे से पकड़ के, मुट्ठी से पकड़ के ऐसे घुमाता है, सो डेफिनेटली इट विल टर्न लाइक दिस, इस तरीके से टर्न करेगा करेगा. तो ये जो सपोज कर लो ये इसका लेंथ है, जब आप ऐसे घुमाओगे तो इसका मतलब ये पॉइंट एम जो था वो एम शेयर होकर के कहाँ चला जाएगा, एम क्या हो जाएगा, शेयर होकर कहाँ चला जाएगा, एन पे चला जाएगा, एम चला जाएगा एन पे. तो यहाँ से आप देखोगे कि ओ एम ये वाला पोर्शन एक तरीके से ये इतना घूम गया, और सपोज करो ये सेंटर है और ये किनारा है, ये इसका रेडियस आर मान लो, सो ओ एम इज इक्वल टू आर. अब एम से कहाँ चला गया, ये एन चला गया, सो आर केम एन इज इक्वल टू आर केम एन, यानी कि ये एम एन कर्व निकालना चाहते हो कि इस एम एन की वैल्यू कितनी होगी, अगर आर रेडियस है और ये थीटा, ये थीटा को हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट कहेंगे. व्हाट इज दैट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको हमने एंगल ऑफ ट्विस्ट कह दिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये हमारा, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि इतने एंगल से ये ट्विस्ट हो गया. तो जब इतने एंगल से ट्विस्ट हो जाएगा तो जो ओ एम है वो आर होगा और दिस आर केम एन इज इक्वल टू आर थीटा, इधर हो गया ना, दिस एंगल इज थीटा. अब कह रहे कि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, ये थीटा जो है, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर ये थीटा वेरी स्मॉल है तो ये थीटा स्मॉल होने पे क्या हो जाएगा, आर्क एम एन, आर्क एम एन की वैल्यू, आर्क एम एन और एम एन स्ट्रेट लाइन दोनों सेम हो जाएंगे, थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर आर्क एम एन कैन बी रिटन एज एम एन. और अगर ये थीटा बहुत स्मॉल होगा तो अल्फा भी बहुत स्मॉल होगा ना,
If theta is small, then alpha is small, right? Theta is small, so this implies that alpha is also small. Alpha is very small. अगर ये छोटा सा होगा तो ये अल्फा भी कोई बहुत नहीं, यानी कि ये जो एम एन पे पहुंचा तो यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा. सो थीटा इज स्मॉल तो आर के एम एन इज एम एन एंड अल्फा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. अब देखो बट इस ट्रेंगल में ये वाला जो ट्रेंगल है, क्योंकि एम एन को आर के एम एन को आपने एम एन मान लिया, स्ट्रेट लाइन मान लिया, तो टेन अल्फा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, दैट इज एम एन और अपॉन एल. ये जो ये पूरा जो लेंथ है ये बेस हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एम एन बाई एल. एम एन बाई एल लिख सकते हैं, और टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा छोटा है तो अल्फा लिख सकते हैं. सो दिस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, एम एन को क्या लिख सकते हैं, आर थीटा. एम एन को क्या लिख सकते हैं, आर थीटा, ये लेंथ रख दिया. सो अल्फा इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज एल अल्फा कैन बी रिटन एज आर थीटा, यानी कि जो एम एन है हमारा, दिस एम एन कैन बी रिटन एज आर थीटा, यानी कि रेडियस इंटू एंगल ऑफ ट्विस्ट, or this L into alpha, where alpha is what? Shear angle. Alpha is angle of shear. Alpha is shear angle. Shear angle. Right. ऐसे भी लिख सकते हैं. कुछ लोग इसको phi भी लिखते हैं. इतनी बात समझ में आ गई? तो जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये जो force हमने लगाया इससे क्या किया? Torque पैदा किया है. ये torque पैदा करके हमने इसको rotate कराया है. तो इस तरीके के material का torsional rigidity पढ़ा जाता है. क्या पढ़ा जाता है? Torsional rigidity. तो torsional rigidity of shaft होता है क्या? टॉर्क पर यूनिट थीटा, यानी कि जो ये एंगल हमने टॉर्क लगा के इसको घुमाया है, टॉर्क पर यूनिट थीटा को हम लोग ये कहते हैं. और ये होता है क्या? पाई ईटा आर का पावर 4 अपॉन 2L, वेयर ईटा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ, आई मीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. दिस ईटा इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इसी को हम लोग शियर मॉडुलस भी कहते हैं, रिजिडिटी और शियर मॉडुलस. तो इस तरीके से आपको अगर इस पे बेस क्वेश्चन मिलता है तो आप इन फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो. आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट आई बीम और टी बीम, उसके बारे में, चूंकि यू नो मच ऑफ दैट कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड वंस वी नो डिटेल ऑफ, आई मीन वी नीड टू मोर नो मोर डिटेल टू एक्सप्लेन दैट विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो जस्ट आई हैव केप्ट mom out at that for those topics. So I just wanted to tell you that ki ab aap jo maximum portion jo aapke book mein questions jin tarike se jin topic se aata hai wo aapko samjha diya gaya, aur in formulas ko aap dhyan rakhiye, isse related aap bade sare questions solve kar sakte hain. To isi ke sath ye lecture khatam hota hai. Thank you very much for watching this video, right? And I would only request you, keep sharing, keep liking, keep commenting, keep promoting. God bless you. Thank you very much. Bye bye.